लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये आधी रात को कौन आया है? आपके लिए जूनागढ़ के एमआरओ आए हैं। ओहो, तो शिवराज चौधरी आए हैं। हेलो, मैं जूनागढ़ से रिपोर्टर शिवा बोल रहा हूँ। यहाँ के एमआरओ को किसी ने किडनैप कर लिया। भास्कर सर, जूनागढ़ का एमआरओ किडनैप हो गया है। सेकंड पेज की हेडिंग ऐसे ही रखना। ओके सर। अरे कौन है भाई इस वक्त? सर, शिवगढ़ के मजिस्ट्रेट साहब आए हैं। मजिस्ट्रेट साहब, हेलो। सर, मैं शिवगढ़ से रिपोर्टर जगदीश चंद्रा बोल रहा हूँ। यहाँ के एमआरओ को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप शिवगढ़ का एमआरओ नहीं हुआ है मेरे भाई, जूनागढ़ का हुआ है। सर, जूनागढ़ के बारे में तो पता नहीं, पर शिवगढ़ के एमआरओ को किसी ने किडनैप कर लिया है। एक मिनट। हेलो सर, मैं रिपोर्टर मंगलदीप बोल रहा हूँ। यहाँ के एमआरओ को अभी अभी किसी ने किडनैप कर लिया है। भास्कर सर, प्रिंटिंग को अभी रोक दो। स्टेट में जरूर कोई गड़बड़ है, सारे एमआरओ किडनैप हो रहे हैं। पेपर भले ही एक घंटा लेट हो जाए, इसे फ्रंट पेज पर छापेंगे। गुड इवनिंग सर। ये एमआरओ के किडनैप का क्या सिलसिला चल रहा है? सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तक पूरे 10 एमआरओ किडनैप हो चुके हैं। अच्छा, हमारे सारे डिपार्टमेंट को तुरंत खबर कर दो, सारे चेक पोस्ट पे नाकाबंदी लगा दो। चलो, सब जगहों पर जैसा सोचा था वैसा ही 1:15 पर सबको किडनैप किया गया है। यूनिट नंबर 71 कॉलिंग फ्रॉम कंट्रोल रूम। जानकारी के मुताबिक 15 एमआरओ को किडनैप कर लिया गया है।
जूनागढ़ से यही खबर मिली है। माय गॉड, 15 लोगों को? तेज न्यूज में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। आंध्र प्रदेश में एक साथ 15 MRO का अपहरण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने रिजर्व पुलिस को तैनात करने का आदेश दिया है। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री हैदराबाद आ रही है। पानी की समस्या को लेकर राज्य से बातचीत। कल आधी रात को एक साथ आंध्र प्रदेश के कई जिलों में से 15 MRO का अपहरण कर लिया गया है। राज्य में होने वाली घटनाओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने इस राज्य के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है और उन्होंने उनसे कहा। मुख्यमंत्री आज प्रेस को संबोधित करने वाले हैं। दरअसल ये किडनैपिंग्स क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से चौकन्नी है। आने वाले 24 घंटों में उन्हें अरेस्ट करना तय है। ये किडनैप रात के 1:15 पर हर जगह पर हुआ था। इसमें टेररिस्ट का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले की छानबीन कर रही है। प्लीज एक एक करके पूछिए। सर, MRO को किडनैप हुए आज 3 दिन हो चुके हैं। सर हमें बताइए आप क्या एक्शन लेंगे? स्पेशल टास्क फोर्स रखकर हम इंक्वायरी कर रहे हैं। दरअसल ये किडनैपर्स कौन हैं और उनकी डिमांड्स क्या हैं, अगर ये पता चल जाए तो हम सब बैठकर इस परेशानी का आसानी से हल निकाल लेंगे। हेलो, हाँ हाँ, ओके ठीक है सर, जो किडनैप हुए हैं उनको छोड़ दिया गया है। थैंक गॉड। क्या कहा ये आप, क्या कह रहे हैं? क्या हुआ राम? सर 15 में से सिर्फ 14 ही रिलीज हुए हैं। और बचे हुए 1 के साथ क्या करने वाले हैं? चलो पीछे हटो। अरे पीछे हटो, पीछे हटो। सुना तुम, ये बॉडी किसकी है कुछ पता किया तुमने? MRO की बॉडी है सर, अभी पता चला। नीचे उतारो। साथ में ये कुछ फाइल्स और कुछ कैसेट्स भी हैं सर। इसे जल्द से जल्द हेडक्वार्टर्स भेज दो। आंध्र प्रदेश के सारे बेईमान सरकारी अधिकारियों को चेतावनी। सरकारी नौकरी में काम करने वाले अधिकारी कुछ भी काम करना हो तो वो घूस लिए बिना मानते नहीं। ये बीमारी हर डिपार्टमेंट में फैल चुकी है। हमने ऐसे 15 MRO को किडनैप किया है जो ये समझते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे भी अलग अलग डिपार्टमेंट के 15 बेईमान ऑफिसर्स का हम अपहरण करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा बेईमान को हम इसी तरह मारेंगे। हमारे राज्य से घूसखोरी मिटाने के लिए ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जो भी डिपार्टमेंट घूस लेगा वो हमारी एंटी करप्शन फोर्स से बच नहीं पाएगा। जिन्होंने रिश्वत ली उनमें से उन्होंने सिर्फ 1 को मारा है, इससे क्या सबको सबक मिल पाएगा? बात वो नहीं है, अगर गधों की रेस में सबसे पहले जो आता है उसे मार दोगे तो क्या होगा? एक धीमे भागता है, उससे भी धीमे कोई और भागता है। इस तरह एक के पीछे एक शुरू करते गए तो घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। ये है उनका प्लान। जिन 15 लोगों को उसने किडनैप करवाया था उसमें से 1 को मार दिया। अब बाकी के 14 लोगों को छोड़ने की क्या जरूरत थी? उन्हें भी मार देते तो देश का भला हो जाता। अरे यार, जिसको मरना था वो तो आराम से मर गया। हाँ। लेकिन हमें तो रोज रोज मरना पड़ता है। सरकार जैसे राशन कार्ड पर ठप्पा लगाती है वैसे उसने उन 14 लोगों पर ठप्पा लगाकर छोड़ दिया। छोड़ने वाला आदमी उसे 3 दिन तक हिरासत में क्यों रखेगा? भाई मौत का डर क्या होता है, इसने 3 दिनों में ही दिखा दिया। अब जब ये बाहर आएगा ना तो इसको देखकर रिश्वत लेने वालों के हाथ पैर कांपने लगेंगे, देखना। ऐसा जिसने भी किया है सचमुच भगवान होगा। सुनो वेस्ट, पानी लेकर आना। ए, 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 क्या बुलाया मुझे? मैं वेस्ट हूँ क्या? नहीं, मैंने तो बूस्ट कहा था। है, पर मुझे ऐसा क्यों सुनाई दिया? जो वेस्ट होते हैं उन्हें ऐसा ही सुनाई देता है। ओए। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। थोपड़ा बिगाड़ दूंगा, खुद पानी नहीं ले सकते, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा, ड्राइंग बना रहा हूँ। अच्छा, सफेद कागज था उसे काला कर दिया है? मैं कुछ काला नहीं कर रहा हूँ, अंधेरे में बिल्ली ऐसे ही दिखती है। अच्छा, बिल्ली कहाँ है? अंधेरे में दिखाई कहाँ देती है? पर आँखें तो दिखनी चाहिए ना। बिल्ली सो रही है। अरे ये किचन में क्या कर रहा है?
किचन में तुम्हारा क्या काम है? आज मैंने नई दवाई बनाई है। तो? इसे पीने के बाद लोग सच बोल देते हैं। मैं भी तो देखूं। ये तो घास लेट है। देखा, सच कहा ना। अरे रुको, पूजा खत्म हो गई है, चलो प्रसाद ले लो सब लोग। बच्चा बच्चा बोलकर सर पर चढ़ते जा रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं इन्हें। अरे क्या हुआ चंदू? कोई एक बात हो तो बताओ। छी, क्या बकवास जिंदगी है। कमलापुर से उठाकर इन बंदरों के साथ बांध दिया है तुमने मुझे, मदारी बना दिया है। बच्चे हैं ये? बच्चे हैं? तुम्हारे कॉलेज जाते ही घर को जहन्नुम बना देते हैं। आज संडे है लेकिन मेरी जिंदगी में ना गाना है ना एंटरटेनमेंट, पूरा दिन किचन में रहता हूँ। अगर तुम इतने बोर होते तो मेरे साथ कॉलेज आओ ना। मुझे इस उम्र में एडमिशन मिलेगी? पढ़ाई के लिए नहीं भैया, तो मजे करने के लिए। कॉलेज में कैसे मजे होते हैं? वहाँ जो प्रोग्राम होने वाला है उसके आज डांस रिहर्सल्स हैं। तो वहाँ जाकर उन बंदरों का डांस देखूं मैं? ओए वेस्ट, कल कॉलेज में कौन डांस करने वाला है पता है तुम्हें? कौन करने वाला है? हमारे प्रोफेसर साहब। भैया फिर तो मजा आएगा, मुझे भी ले चलो ना। ले जाएंगे, पहले अपनी जिप तो बंद कर लो। तुम कहते हो ये बच्चे, ये तो मेरे भी बाप है। देखा, अश्लीलता बंद करो, अश्लीलता बंद करो, अश्लीलता बंद करो। ए, वहाँ नीचे पेंट करो। ऐसी फिल्मों के लिए हमारे पास एक ही थिएटर है, लगता है ये उसे भी बंद करने वाले हैं। खुद तो देखते नहीं और दूसरों को देखने भी नहीं देते। क्यों नहीं दिखते? मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भैया? डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ट्रैफिक जाम है। हा? कुछ करो ना भैया। ठीक है मैं देखता। अरे आप क्यों जा रहे हो भैया, इन छोटी चीजों के लिए मैं हूँ ना। okay, अभी दफा करता हूँ इन्हें। ए साइड में हट बे, हटना बाबा। कहाँ देख रहा है तू? सामने पोस्टर लगा है ना वही। मैंने हटा नहीं वाला। बड़े झंडे गाड़ रहा है। इतनी देर से मैं इनकी हरकतें देखते आ रहा हूँ। देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें बोलना पड़ता है। अरे सुनिए बहन जी, रुक जाइए। ए लड़की नीचे उतरो, आराम से। हाँ बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा नाम लड़की नहीं है, देविका है, समाज सेविका। देविका, ये सब तुम किस लिए कर रही हो? हम अश्लीलता के खिलाफ लड़ रहे हैं सर। रोज सुबह 10 बजे ऑफिस से निकलकर शाम को 5 बजे लौटाना काफी नहीं होता, कुछ समाज के बारे में भी सोचना होगा आपको। हाँ, ये वॉल पोस्टर्स कितने अरसे से लगे हुए हैं? काफी अरसे से। और आज तक यहाँ कभी ट्रैफिक जाम हुआ है? नहीं। तो फिर आज क्यों हुआ? What do you mean? I mean, अश्लीलता वॉल पोस्टर्स में ही नहीं, तुम्हारे ड्रेस में भी है। हेलो, ये फैशन है। हाँ, अश्लीलता की शुरुआत ही ये फैशन है, पहले इसे बदलो। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ना कोई समाज सेवा करता है ना करने देता है। मैं तुम्हें इनकरेज करता हूँ बेटा, पहले तुम ऊपर चढ़ो, पूरा खत्म करके नीचे उतरना, मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। हाँ चलो चलो, इनके साथ मैं भी देखूंगा। हाँ? क्या देखेगा भे? बहुत ही सही जगह पर गिराया है भैया। खड़ा हो जा। जो तुम्हें इनकरेज करते है वो तुम्हारी समाज सेवा को लेकर नहीं। तू ही बता। मुझे शर्म आती है। हटो, हटो यहाँ से। सर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहाँ है। क्यों मैम, क्या चल रहा है? समाज सेवा। अगर पोस्टर से निकालने थे तो हमें बता सकती थी ना, ट्रैफिक जाम करने की क्या जरूरत थी। चलिए हमारे साथ, समाज सेवा करूंगा। अबे तेरी, कहाँ जा रहा तू, चल गाड़ी में। मरने वाले ने कितने बजे उसे रिश्वत दी, रिश्वत के पैसे उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए, सारी डिटेल्स ऐसे दिए जैसे एग्रीमेंट की कोई कॉपी हो। इट्स रियली अमेजिंग। रियली? ये एक आदमी का काम नहीं है सर। इतनी डिटेल्स इस बारीकी से कलेक्ट करने वाला कौन हो सकता है सर? क्यों भैया, मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? जिसने किया वो क्या मेरा रिश्तेदार है? लेकिन 15 लोगों को उसने आखिर किडनैप कैसे किया है? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है वो भी 15 लोगों की टीम होगी, डेफिनेटली। गलत है सर, आपका हिसाब गलत है सर। इस पूरे राज्य में 1089 MRO है सर, उनमें से 15 को क्यों चुना? इस राज्य में जितने भी सरकारी दफ्तर है उनमें ACF की टीम जरूर मौजूद होगी सर। और एक सीरियस बात यह है सर, उस कसट में उसने कहा है कि ऐसा किडनैप हर एक डिपार्टमेंट में होगा, मतलब हर एक सरकारी ऑफिस में उसके आदमी हैं। इसके अलावा उसने ये सब इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, लगता है कि ये मंडे टू फ्राइडे की तरह डेली सोप नहीं, इसके पीछे उसने कई सालों की प्लानिंग की है। अच्छा भाषण देते हो, तुम हो कौन? सूर्या सर, ड्राइवर हूँ, इसी डिपार्टमेंट में नया भर्ती हुआ हूँ। अच्छा ड्राइवर हो? हाँ। गाड़ी में डीजल भरा है कि नहीं? फुल कर दिया हूँ। टायरों में हवा चेक की? हाँ की। तो फिर एक जरूरी काम करो, चंदू हलवाई के पास जाओ और वहाँ से गरम समोसे और चाय सबके लिए लेकर आओ, जाओ। वो क्यों सर? अबे
पहले इस फाइल को लेकर परेशान हूँ, उसके ऊपर सर सर करके और पका रहा है तू, चल निकल। सर डांट पड़ गई ना, इसीलिए हंसी आ रही है ना तुम्हें? तुम्हें गाली पड़ेगी ना तब मैं हंसूंगा और लोग भी हंसेंगे। अच्छा, और वो तुम्हारी सलाह मान लेंगे? मानेंगे क्यों नहीं, मेरे जिस्म पर ये कांस्टेबल की वर्दी उन्हें दिखाई दे रही, लेकिन जो मेडल्स मिले वो दिखाई नहीं देते। मैं भी बहुत होनहार स्टूडेंट था, पर रिश्वत नहीं देने की वजह से आज कांस्टेबल बन बैठा हूँ। अगर रिश्वत देता तो उनके बीच में होता। समोसा चाहिए समोसा की तो। ध्यान से सुनो, वो लोग मुझ पर चिल्लाए ये सोचकर मैं केस नहीं छोड़ूंगा। जब ये लोग नहीं कर पा रहे हैं तो तुम क्या कर लोगे? करूंगा। ऑफिस में कौन कौन रिश्वत ले रहा है ये पता लगाना पड़ेगा, और उन्हें रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। अगर किसी एक आदमी को पकड़ लिया और उससे पता चला कि इस केस के पीछे कौन कौन है, तब होगी प्रमोशन। सब लोग सुन लो, आज से कॉलेज बंद, छुट्टी दे दी है, सब लोग अपने अपने घर जाओ, चलो। ये सब क्या चल रहा है? सुना नहीं क्या? कॉलेज को बंद कर दो, चलो। हा? बंद कर दूं? नहीं, आज से यहाँ बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। एग्जाम गया तेल लगाने। एग्जाम्स कैंसिल नहीं होते, क्या तुम्हें नहीं पता? अबे पार्लियामेंट के इलेक्शन भी पोस्टपोन हो जाते हैं, तेरे एग्जाम कौन सी बड़ी बात है, बाद में रख लेना। मेरे एमएलए साहब ने पुलिस वालों को फोन किया तो वाइन शॉप और बियर बार एक झटके में बंद हो गए, तो तेरा कॉलेज कौन सी बड़ी बात है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए, इससे बच्चों का भविष्य खराब होगा, अब जाइए। तुम कोई प्रोफेसर हो क्या? और ये तुम्हारे गले में क्या है? ओहो, पीला मंगलसूत्र है। नई नई शादी हुई है, जाओ छुट्टी अपने पति के साथ एंजॉय करो। प्रोफेसर, तू जानती नहीं मैं कौन? कौन है बे तू, मुझ पर हाथ उठा रहा है? कॉलेज के अंदर जब पुलिस नहीं आ सकती तो तुझ जैसे गुंडे कहां से आ सकते हैं? चल फूट यहां से। ये क्या हुआ? उठाओ उठाओ उठाओ। क्या रे, इतनी जोर से कोई मारता है? पहले मैं मुंह से समझाता हूँ, ना समझ में आए तो हाथ का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, खुद को क्या समझता है, दादा है क्या यहाँ का? तू मुझे मारेगा? सच में मारेगा? आ जाओ ना। हाँ, मारेगा क्या मुझे? आना। हाँ, मारना मार, रुका क्यों है? छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, सर तो रहा है। अरे रुको रुको, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, उससे बाद में निपट लेंगे, पहले चलो यहाँ से। तूने गलत आदमी से पंगा लिया है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ए, देख। ठीक है भाई।
सॉरी जी भैया, इसके पैसों से तुम्हारी दुकान ठीक करा लेना। नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। थैंक यू। ये बूस्ट ना सच में वेस्ट है। और नहीं तो क्या, कितनी देर हो गई है, पता नहीं कब आएगा। आ जाएगा। आप समझ नहीं रहे भैया, हमें आइसक्रीम खानी है, पीनी नहीं। कितनी स्वीट है। ओह सॉरी। पोस्टर वाली लड़की। बच गई, चलो। ये भी यहाँ पर आ गए। क्या टच था। हाय मर गया। I'm sorry। फिर से टकराई। लगता है बहाना बना रही है। पोस्टर वाली लड़की दिल की खिड़की खोल। समाज सेविका। हाँ। और ये क्या था, पिक पॉकेटिंग? फैंस है मेरे, ऑटोग्राफ के लिए हमेशा पीछे पड़े रहते हैं मेरे। हाँ। देखो देविका, फैंस हमारी जान है। हाँ। वही है जो स्टार को बनाते हैं। हाँ। उनसे छुपना बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो असली मैटर बताओ। सर, गरीबों का नुकसान हो जाए तो कोई फिक्र नहीं करता, पर मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता। अच्छा। इसके लिए ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। सर मुझे अर्जेंटली जाना है, जरा टेंशन है, क्या आप मुझे हॉस्टल तक ड्रॉप कर देंगे? सर सर प्लीज, सर 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 प्लीज प्लीज। आपकी तकलीफ करते हैं, मैं इसे रिक्शा में छोड़ दूंगा, चलिए मेरे साथ। कोई जरूरत नहीं है। हा? उसी रिक्शा में मार्केट जाकर बचा हुआ काम करो, मैं और भैया इन्हें छोड़ देंगे। देखो ना भैया, उसने सही कहा। अच्छा ये बताओ देविका, तुम्हारे पीछे गुंडे क्यों पड़े थे? अरे वही, उस गुंडे के भाई की शादी मैंने उसकी पसंद की लड़की से करवा दी। बताइए, लव मैरिज गुनाह है? गुनाह नहीं है। लेकिन पुलिस तुम्हें किस जुर्म के लिए ढूंढ रही थी? क्योंकि लड़की एसपी की बेटी है। सर यहीं पर रोक दीजिए, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। हॉस्टल वाले हमें साथ देखेंगे तो सोचेंगे कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। तुम्हारी इमेज इतनी खराब है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ समाज के लिए। थैंक यू, अब उतरो। जैसा सोचा वैसे ही हुआ, देखिए वो लोग आ गए। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? अरे सर प्लीज नहीं, वो इस एरिया के बड़े गुंडे हैं। रुक जाइए सर, सर प्लीज प्लीज छोड़िए ना सर, वापस चलते। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, इस बार वो जहाँ मिलेगा ना उसे वहीं पर डाल दूंगा। सर नहीं सर प्लीज।
सर, प्लीज प्लीज। अरे सामान छुपा दो, ये कोई आम आदमी नहीं है, सुपरमैन है। क्या भाई, हम 8 लोग इसे नहीं मार सकते? अरे पिछली बार तो हम लोग 25 लोग थे, फिर भी मार खा गए थे। लेकिन आपने तो एक्सीडेंट कहा। इज्जत बचाने के लिए ऐसा कहा था, मारने वाला यही आदमी था। भाई आप डर क्यों रहे हो, आप भी तो एक बड़े बॉक्सर हो। हमारे बॉक्सर भाई का हाथ भी इसी ने तोड़ा था। सर, नमस्ते, आप यहाँ कैसे आए सर? ये फील्डिंग किस लिए? गाड़ी का रेडिएटर खराब है, इसलिए खड़े हैं सर। आजकल हम कोई भी कॉलेज बंद नहीं करते, रात को भी कॉलेज खुला रखने को कहते हैं। ये लोग कौन है? मेरे लड़के हैं सर। अरे यहाँ आना जल्दी। बहुत अच्छे हैं सर, मेरा विश्वास करो, बहुत अच्छे हैं। और इनके हाथ में क्या है? ये तो बैट है, ये लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। इन लोगों को क्रिकेटर बनना है, इंडिया के लिए खेल के उसका नाम रोशन करना है, बड़े बड़े सिक्स मारने सर। पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी आगे होना चाहिए। ए, बच्चे लोग को बैट दो। लो बेटा लो, तुम भी आगे बढ़ो। चल देना जल्दी जल्दी। थैंक यू सर। सर हम लोग चलते सर। नमस्ते। नमस्ते मैडम। चल चल। नमस्ते निकल। नमस्ते भाई, चल चल। सॉरी सर, सॉरी सर। चलो बच्चों। सर एक बात पूछूं। सर आप ठहरे प्रोफेसर, ये लोग ठहरे गुंडे, और ये अलग अलग तरह के बच्चे आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सर प्लीज टेल मी व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस मिस्ट्री। बताना जरूरी है क्या? हाँ वो तो है। hey! आप उन लोगों को वापस क्यों बुला रहे हैं? नहीं बताना तो मत बताइए, छोड़िए। आओ बच्चों गाड़ी में बैठो। हेलो सर, आपके बारे में जाने बगैर मैं चुप नहीं बैठूंगी। बात क्या है, जब देखो तब यहाँ आ जाती हो। तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या? काम की बात नहीं है बेटा, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। आपके लिए चाय। थैंक्स। अगर बच्चे आपको इतने पसंद है तो बूस्ट से शादी कर लो ना, आपके अपने बच्चे हो जाएंगे। क्या? ऐसे ही एक्टिंग। ए बूस्ट, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ क्या? लड़की फंस गई। वाह, ओए बूस्ट क्या कर रहे हो? वीणा बजा रहा हूँ। जोर से मत बजाना, तारे टूट जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कब आई देविका? थोड़ी देर पहले। ये लो। थैंक यू अंकल। तुम भी लो। थैंक यू। इट्स ओके। दीदी, बाकी अंदर। राज्य के एंडोमिक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर कौन है? जगदीश प्रसाद आईएएस। जगदीश प्रसाद आईएएस। एंडोमिक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर जगदीश प्रसाद नहीं है, डीएस मूर्ति है। डीएस मूर्ति आईएएस। हेलो, ऐसे बात कर रहे हो जैसे सब जानते हो। वो मेरे अंकल है, पता है, कल सुबह ही उनसे बात हुई है। तुम हंस क्यों रहे हो? शर्त लगी, मैं अभी प्रूफ करके दिखाती हूँ। हेलो सेक्रेटेरिएट, आम देविका, कैन आई स्पीक टू जगदीश प्रसाद? कल शाम को इनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए, डीएस मूर्ति ने उनका चार्ज संभाला है। आहा। क्या कहा उसने? यही कहा ना कि जगदीश प्रसाद का कल शाम को ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह डीएस मूर्ति ने चार्ज ले लिया, यही कहा ना? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कल सुबह गई थी और कल तुम शाम को होके आयो। ठीक है, अगर तुम्हारी नॉलेज इतनी तेज है तो चीफ सेक्रेटेरिएट का नाम बताओ। मोहन कंदा आईएएस। चीफ जस्टिस? जस्टिस देवेंद्र गुप्ता। आईटी एडवाइजर? डीएच चौधरी। ठीक है, सेक्रेटेरिएट में टोटल कितने डिपार्टमेंट है? सेक्रेटेरिएट में डिपार्टमेंट है 32। हमारे राज्य की पॉपुलेशन है कुल मिलाकर 7,56,27,541। उसमें आदमी है 3,82,87,000 और 831, और औरतें हैं 3,74,40,730। उसमें से पढ़े लिखे लोग है 4,03,64,765, अनपढ़ है 3,53,62,776, उपजाऊ भूमि है 1,35,50,000 हेक्टर और बंजर भूमि है 21,00,000 हेक्टर। सरकारी अस्पताल है 1,757, पुलिस स्टेशन 1,500, पुलिस फोर्स 83,532। हमारे राज्य में जेल है 151, रेलवे स्टेशन है 653। केंद्र सरकार द्वारा हमारे राज्य ने वर्ल्ड बैंक से उधार ली हुई कुल रकम है 57,858,50,00,000, जिसकी वजह से राज्य में हर एक के सिर पर जो कर्ज है वो है 7,741। हर दिन वारदात होती है, 2 मर्डर केसेस, 7 रेप केसेस और 68 चोरियों की। 1 मिनट में 6 बच्चे पैदा होते हैं और 3 मर जाते हैं। इतना काफी है या और इन्फॉर्मेशन दूं?
कौन हो बेटा तुम? पहली बार मास्टर जी के घर दिखाई दे रही हो, उनकी रिश्तेदार हो? हाँ हूँ दादी। एक बात बताइए, आप यहाँ कितने सालों से हैं? आप उन्हें अच्छे से जानती हैं? अच्छे से कहूँ तो पिछले 6 सालों से। ओहो, वो सारे बच्चे उनके क्या लगते कुछ हैं? कुछ नहीं लगते बेटा, सारे अनाथ बच्चे हैं। उनके माँ बाप कोई ना कोई हादसे में मारे गए थे बेटा, तो मास्टर जी ने उन्हें गोद लेकर उनके माता पिता बनकर उनका पालन पोषण कर रहे हैं। आदमी हीरा है बेटा। तू गाना? नहीं। तू गाना? नहीं। तू गाना? अरे छोड़ो ना, कोई भी गाना। लता तुम गाओगी? मैं नहीं गाऊंगी। चलो ठीक है, तुम गा लो बेटा। वो जो छोटी सी लड़की लीला है, वो बचपन में माँ माँ कहकर रात भर रोती रही। बेचारा टैगोर रात भर उसे अपने कंधे पर लेकर सुलाने की कोशिश करता रहा। दीदी तुम भी मेहंदी लगा लो ना। भैया है ना, तो ठीक है, पर फिर भी मुझसे देखा नहीं जा रहा, चलता हूँ। वो खोलो, आ आ। वो जो कासिम है ना, उसके माँ बाप दंगे में जब मारे गए तो बिना किसी धर्म को माने ये उसे अपने घर लेकर आ गया। रेडी, कम ऑन, ये लो। वो जो अंग्रेज बच्चा है, उसके माँ बाप को चर्च में किसी ने गोली मार दी, उसे भी मास्टर जी यहीं पर लाकर पालने लगे। ऐसे क्या घूर रही हो, बच्चों को नजर लगाओगी? मैं तो देख रही थी कि आप मुझे कब खिलाएंगे। नो 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 नो, जाने दीजिए ना, खिला दीजिए। ओके ओके, आ जाओ। मेहंदी तक तो ठीक था भैया, पर खाना खिला दिया। लड़की रात में जाकर मुझे देख रही है और मैं गधे बेचकर सो रहा हूँ। छी छी, ये मुझे देख रही है या भैया को? छी छी, मुझे छोड़ के कोई भैया को क्यों देखेगा भला, मैं भी लाइन देता हूँ ना। इसे देखकर कुछ कुछ हो रहा है, बस बहुत हुआ, शर्म आ रही है। सबके बारे में सोचने वाले इन मास्टर जी के बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं। अगर गलत ना मानो तो इन मास्टर जी के साथ तुम क्यों नहीं रह लेती? ध्यान से देखिए, ये सब हमारे शहर के छठे हुए बदमाश और नक्सलाइट्स हैं। छठे हुए बदमाश ये किडनैपिंग्स बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर हर वक्त पुलिस की नजर लगी रहती है। अगर ये नक्सलाइट्स होते तो वो कुछ शर्तें रखते, जबकि वैसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए उनका होना भी असंभव है। यस यू आर राइट, इस स्टेट में इस तरह का ऑपरेशन पहले कभी नहीं किया गया है सर। ऐसा लगता है कि ये कोई विदेशी ताकत या किसी छुपे हुए संगठन का काम हो सकता है। विदेशी ताकतों को ये सब करने से क्या फायदा होगा? हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को तितर बितर करके तत्कालीन सरकार को गिराने की साजिश भी तो हो सकती है। ये किडनैप हुए 15 लोगों में से उसने 14 को तो रिहा कर दिया। वो 14 लोग किडनैपर्स कैसे दिखते हैं ये भी नहीं बता पा रहे। ऊपर से जहाँ से किडनैप किया गया वहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे में ही उन्हें ले जाया गया, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बता रही है। नो, देयर मस्ट बी एन इंटेलेक्चुअल ब्रेन बिहाइंड दिस केस। न जाने कब बुरी खबर सुनने को मिले, इसी टेंशन में बैठा हूं मैं। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ? सर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, मुझे ड्राइवर की नजर से ना देखते हुए मेरी बात मानिए प्लीज। जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे दूंगा सर, केस आप ही क्लोज कीजिए, पर मुझे एक छोटा सा प्रमोशन दे दीजिए सर। क्या कहा? After all, तुम एक ड्राइवर हो, तुम्हारी दी हुई इन्फॉर्मेशन से हमें केस सॉल्व करना होगा। जाने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हो, उसने सिर्फ एक प्रमोशन ही तो मांगी है। तुम्हारी प्रमोशन के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले लंच का इंतजाम करो। ओके सर,
सर। बताओ होलदार। हाँ, बैठिए सर। तुमने जो जानकारी हासिल की उसके लिए तुम कहाँ कहाँ घूम कर आए? शिवगढ़, जूनागढ़, विशालगढ़, हर जगह जाकर आया सर। मानता हूँ तुम एक्सपीरियंस्ड हो। हाँ सर। अब इस मछली का नाम बताओ। नहीं सर। इसे बेबी शार्क बोलते हैं। ओ। ये पलती है समंदर में और मिलती है लोकल मछली मार्केट। अच्छा। में मछली मार्केट में तरह तरह की मछलियाँ मिलती हैं सर। और मुर्गी मार्केट में तरह तरह की मुर्गियाँ मिलती हैं सर। रोज ये सब मार्केट से लेके आना और मैडम को ला कर देना। अच्छा, जो वो पका के दे तो मेरे पास ले आना। यही है तुम्हारा प्रमोशन। ये प्रमोशन देने वाला है मुझे? क्यों बे, मछली कहाँ मिलेगी, चिकन कहाँ मिलेगा, ये सब खाने के लिए मरा जा रहा है तू? पर अपनी ड्यूटी के बारे में सोच नहीं सकता तू? मैं ड्यूटी के बारे में भी सोचता हूँ सर। हाँ, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी के बारे में सोचता हूँ, दूसरे की ड्यूटी के बारे में बिल्कुल नहीं। तुम ड्राइवर हो ना, अपना काम उसी हद में रहकर करो। ठीक है सर। क्या हुआ सर? अरे और क्या होगा, सरदर्द वापस शुरू हो गया। इस बार तो उसने किडनैप की डेट भी बता दी है, तो सोचो वो कितना आगे। हम भी तो आगे। क्यों बे, ड्राइवर है ड्राइवर की हद में रहे, समझा? मैडम का फोन आया था, जा जाकर टिफिन लेकर आ जा। 321 अब ये खबर यहाँ तक नहीं रुकेगी, रात तक ये टीवी पर भी आ जाएगी और सारा मैटर पब्लिक को पता चल जाएगा। इस बार वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा ये पता नहीं है, इससे डर कर सारे ऑफिसर्स ड्यूटी पर आना बंद कर देंगे। उनके डर को खत्म करना ही तो हमारा काम है, सारे ऑफिसर्स की सिक्योरिटी बढ़ा दो। रोड पे अगर 4 से ज्यादा लोग खड़े हुए दिखे ना तो अंदर कर दो। सरकारी अधिकारियों से एक विनती है, आपको कुछ भी नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। अगर आपको किसी पर भी शक हो तो तुरंत पुलिस को बताइए। हमारे पुलिस बल के साथ साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस भी आई हुई है, इसलिए आप निश्चिंत होकर ऑफिस जा सकते हैं, हम सब आपके साथ हैं। काश मैंने 10 दिन की छुट्टी ले ली होती। लगता है आज इसका काम हो गया। क्या सर, खाली पेट गोली खा रहे हो? अरे बीपी की गोली है। ये बीपी क्या होता है? कैंसर सुना, एड्स सुना, लेकिन ये बीपी क्या होता है? बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर होता है। ओ, समझ गया सर, बीवी का नाम सुनते आपके बेड पे प्रेशर बढ़ गया। बेड प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर, खून का प्रेशर। मैंने भी तो ये कहा था। तूने ये नहीं वो कहा था। तू बकवास मत कर, मुझे टेंशन हो रही है। ओहो, हमारे ऑफिस में सबसे ज्यादा रिश्वत लेने वाले तो आप ही हैं। लगता है ऐसे वाले आपके बारे में जानते हैं। इस तरह से मुझे डराया मत कर, मेरे दिल की धड़कन पहले से ही तेज है। रहने तो सर, ड्यूटी पे रहते भगवान को प्यार हुए तो एक दिन की छुट्टी तो मिलेगी। बकवास बंद कर, सुन तुझे एक बात कहनी। हाँ बोलो ना। वो शिवगढ़ वाला सचिन है ना, मुझसे ज्यादा रिश्वत लेता है। कहाँ, उसने सिर्फ 80 लाख तो लिए, बस इतना ही। और वो निजामगढ़ का मिश्रा कौन, वो दाढ़ी वाला? हाँ। उसने सिर्फ 50 लिए। चलो तब तो मैं ही आ गया हूँ। और वो करमाली जिले का नारायण सिंह, बहुत बना लिया उसने। हाँ, वो तो आपसे भी बड़ा बकवास आदमी है, धनाधन पैसे छाप रहा था। अच्छा, उसको सस्पेंड करके खट्टाक से आपको खड़ा कर दिया। क्या वो सब मेरे नाम से पैसे लेते हैं? और क्या सर। अच्छा, इस महीने से रिश्वत लेना बंद कर दूं तो लिस्ट में सबसे नीचे नाम होगा ना मेरा? वो तो सही कहा सर, पर अपने आदमी आपसे ज्यादा होशियार है। रिश्वत की बात तो दूर रही, वो तो अपनी पगार तक लेना बंद कर देंगे। नमस्ते सर। अरे कॉन्ट्रैक्टर साहब, आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने आपको 4 लाख दिए थे, 6 लाख इस बैग में। ले लो सर, ले लो। अरे भाई साहब धीरे बोलो, नहीं तो कोई सुन लेगा। ब्लड प्रेशर पहले से ही हाई है, अपने 4 लाख वापस ले लो। नहीं यहाँ नहीं, चलो बाहर चलो। एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन वाले और अकाउंट सेक्शन वाले और बाकी डिस्पैच वाले सब लोग सुनिए, यहाँ जो कोई भी है जो मेरी ली हुई रिश्वत की डिटेल ACF को भेजने वाला है, उनको बता देता हूँ कि जो मेरे पास 4 लाख है इनको वापस दे रहा हूँ। प्लीज मेरे अकाउंट में से ये अमाउंट कम कर दीजिए,
मुझे आज तक जिसने भी रिश्वत दी है मैं उसे ढूंढ कर वापस कर दूंगा, नहीं मिला तो मनी ऑर्डर कर दूंगा। कुछ भी करके रिश्वत खोरों की जो लिस्ट है उससे नाम निकाल दीजिए। पुलिस आप रखिए, एसीएफ की वार्निंग से कोई भी छुट्टी न ले, ऐसा डीजीपी साहब ने सर्कुलर भेजा है। आपकी सिक्योरिटी के लिए दो गार्ड रहेंगे, एसीएफ से कोई भी मत डरिए, प्लीज कोऑपरेट विद द पुलिस डिपार्टमेंट। अरे बाप रे, दौरा पड़ रहा है, आज बोल रहे हो ड्रामा कर रहे हो। ड्रामा क्यों करूंगा सर, ये तो पूरा डिपार्टमेंट जानता है कि मेरे हार्ट में पेन होता रहता है। तुम्हें हार्ट पेन हो, हेड पेन हो, हैंड पेन हो, कुछ भी हो, तुम्हें छुट्टी नहीं दी जाएगी। अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी है तो बताओ, मैं एम्बुलेंस को यहीं पे बुला लूंगा और इसी टेबल पे ऑपरेशन करवाऊंगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं, मुझे ड्यूटी में काम चोरी नहीं चाहिए। छह, किस डिपार्टमेंट से क्या सुनने को मिलेगा यही सोचकर मुझे डर लगता है। पुलिस डिपार्टमेंट रूम। सर, उसने हमारे डिपार्टमेंट को ही टारगेट किया है, अब तक उसने 8 एसपी किडनैप कर लिए हैं। छह, 8 एसपी किडनैप हो गए, हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत चली गई। सारे स्टेशन को अलर्ट कर दो, हर जगह नाकाबंदी कर दो। कम ऑन, डू इट। ओके सर। हेलो, दिस इज पुलिस कंट्रोल रूम, अलर्ट हो जाइए, अब तक एसीएफ ने 8 एसपी को किडनैप कर लिया है, ये बात सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। सर समझे तो किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ड्यूटी पे लग जाओ। क्या हुआ? उसने धोखा दिया सर, हमें गुमराह करके हमारे लोगों को किडनैप कर लिया। क्या? अब तक उसने 8 एसपी को किडनैप कर लिया सर। हार्ट अटैक आ गया? डरने की जरूरत नहीं, आपके लिए एम्बुलेंस यहीं बुलवा देंगे सर, इसी टेबल पे ऑपरेशन करवा देंगे। अबे टकलू, मेरा डायलॉग मुझे ही मार रहा है, टांग तोड़ दूंगा तेरी, गेट आउट। किडनैप हुए एसपी के डिटेल्स, श्री जी विनय कुमार, उम्र 47 साल, शिवगढ़। श्री एम मुकुंद नायडू, उम्र 48 साल, जिला जूनागढ़। श्री के शिवरा, उम्र 50 साल, जिला आजमगढ़। श्री एन रमेश रेड्डी, उम्र 42 साल, जिला कृष्णा। श्री पी सूर्यनारायणन, उम्र 45 साल, जिला रामपुर। श्री के सदानंद, उम्र 48 साल। उस किडनैप करने वाले ने इसको किडनैप किया होता तो आधी पनौती दूर हो गई होती। तीन दिन पहले किडनैप किए हुए 17 एसपी ऑफिसर्स को पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, किसने किडनैप किया है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। हे, मुझे म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में बिठा कर यहाँ पर लाए हो और तीन दिन से मुझे यहाँ पर बांध रखा है, अपने आप को समझता क्या है? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शट अप। जिंदगी में पहली बार फटके पड़े हैं ना, अब पता चला ना कि जब खुद को पड़ती है तो क्या बीतती है। एसीएफ नाम का ग्रुप तैयार करके तुम सबको मार डालोगे, क्या तुम अपने आप को भगवान समझ रहे हो क्या? भगवान नहीं, भगवान पर विश्वास करने वाला, दुश्मनों का सर्वनाश करने वाला, धरती पर आया हुआ 11वां अवतार कल की हूँ मैं। ज्यादा चिल्ला मत वरना ये तेरी आखिरी चीख होगी। मेरी गलती क्या बताओगे? तूने गलती नहीं गुनाह किया है। प्रूफ कर सकते हो? तुम्हारे पास सबूत है? शंकर, तूने एसपी का चार्ज लिया, उसके बाद का तेरा सारा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। 94 में तेरी पोस्टिंग जब महबूब नगर में हुई थी और वहां नकली दारू पीकर 14 लोगों की जब मौत हुई, तब तूने हर एक आदमी की मौत पर 1,00,000 रुपए दारू बेचने वालों से रिश्वत के तौर पर वसूले। उसके बाद बेईमानी के धंधे को तूने बंद नहीं चालू रखा। 1996 में तू श्रीरामपुर पहुंचा, वहां तूने अंगद नाम के बिजनेसमैन के बेटे के साथ मिलकर एक लड़की का बलात्कार किया और अपने व्यभिचार को छुपाने के लिए तूने उस मासूम लड़की को दुनिया के सामने धंधे वाली साबित कर दिया। 1996 से अब तक तेरी रिश्वतखोरी की रकम और संपत्ति मिलाकर 50 करोड़ की हो चुकी है। इतना ही क्यों? तुझे किडनैप करने के 1 घंटे पहले ही तूने पूरे 6,00,000 रुपए की रिश्वत ली थी। तुम्हारा रेप किया क्या? रेप एक बार हो या 100 बार हो, रेप तो रेप होता है। अब मैं तेरा रेप करूं। इसने फांसी लगा ली, ऐसा लिखना। नकली शराब पीकर 14 लोगों के मरने पर 14 लाख लाया हूं सर। कम से कम 50 लोग मरते तो और ज्यादा पैसे मिलते। इस राज्य को चलाने वाला मुख्यमंत्री हो या इस देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री, किसी को मारने का अधिकार नहीं, लेकिन यह अधिकार कानून ने सिर्फ तुझे दिया। क्यों? इसलिए कि तू जो चाहे करता रहे और मंत्रियों की शरण में रहकर सुरक्षित रहे,
लेकिन उन अधिकारों का तूने गलत फायदा उठाकर 36 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे पुलिस वाले ईमानदारी के सबूत इकट्ठा कर रहे थे और तुझ जैसा रिश्वतखोर डिपार्टमेंट का नाम पूरी तरह मिट्टी में मिला रहा था। गुनहगारों की फहरिस्त में तेरा नाम सबसे ऊपर है, इसीलिए तुझे मार कर उस खून से तेरे डिपार्टमेंट को ही शुद्ध कर दूंगा। मरने से पहले तेरे खून का सदुपयोग हो रहा है, इस बात का एहसान मान। सर मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मेरे उसूल तुझ जैसे शैतानों के लिए एक ही बात कहते हैं, कभी बख्शना नहीं, कभी बख्शना नहीं। देखा तुमने, चाहे वो कितनी भी मीटिंग कर ले या मुझे कितनी भी गालियां दे दें, कितनी बार समझाया कि वो कोई आम आदमी नहीं है, पर नहीं समझे। अब क्या हुआ, उसने हमारे डिपार्टमेंट पर हाथ डाला ना। अरे चिल्ला क्यों रहा है, उनके आने का समय हो गया। आने दो ना, क्या कर लेंगे। एक बात बता सूर्या, तू तो मेडिकल लीव लेकर बाहर गया था ना। बाहर गया था, ये देखो पूरी लिस्ट तैयार है। ये है जूनागढ़ शहर की पूरी लिस्ट। ये जो है इसका नाम है जगन्नाथ राज। पिछले साल ही इसने 25 एकड़ जमीन ली, इसलिए ये ACF का आदमी नहीं होगा। ये है नागेश्वर राव, सेंट्रो गाड़ी खरीदी। अपनी बेटी की शादी के लिए इसने 150 तोला सोना खरीदा, इसलिए ये भी ACF का आदमी नहीं है। ये सारे अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक रिश्वत लेते रहे, लेकिन ये आदमी यहाँ देखो, ये है KV शर्मा, ये है अकाउंटेंट। अभी तक एक पैसा भी इसने रिश्वत नहीं ली। 3000 की सैलरी है और बच्चे म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब कि जिसने रिश्वत ली है उनकी लिस्ट ACF को इसी आदमी ने दी होगी। हो सकता है कि लिस्ट में ये भी हो। ये देखो विशालगढ़ की लिस्ट, यहाँ पर एक आदमी है कादर बाशा, इसने भी आज तक रिश्वत नहीं ली। इसने अपनी बहन की शादी एक हिंदू से की। और अब ये शिवगढ़ के जिले की लिस्ट है, यहाँ भी रिश्वत नहीं लेने वाले बहुत सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। ये सारे अलग अलग कॉलेज में पढ़े हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर इनका लिंक कैसे है? इन सब को चलाने वाला एक आदमी है, वही आदमी सरकारी ऑफिस में इन सब को रखकर अपना ऑपरेशन पूरा कर रहा है, ऐसा लगता है मुझे। कौन हो सकता है वो आदमी? आजकल तो ये मुझसे रोज मिलने आती है। ये क्या, कुछ बदबू सी आ रही है। सॉरी ना कराता हूँ। आप में से नहीं, शायद किचन में से आ रही है। वो मेरे खाने की खुशबू है। भैया भी हमेशा कहते हैं कि मैं किचन में खाना बनाता हूँ, खुशबू कॉलेज तक आती है। बहुत अच्छा बनाया है, आप खाएंगी क्या? थू, ये क्या, खाना इतना बेकार है क्या? और नहीं तो क्या। मेरे खाने की बुराई कर रहे हो, 3 साल से बना के खिला रहा हूँ। 3 साल पुराना है इसलिए तो ऐसा है। बूस भैया। चुप कर, बेइज्जती करके भैया बुलाता है। आपकी लवर हंस रही थी तो बुरा लग रहा है। लवर? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब पता है तुम दीदी को पसंद करते हो। तुम सच में बहुत अच्छे हो, मेरे दिल की बात समझ गए। अच्छा सुनो, मैं दीदी के सपने में तुम्हें लेकर जाऊंगा, पहले 100 रुपए दो। सच कह रहे हो ना? तुम्हारे खाने की कसम। खाने की नहीं, इसकी कसम खा। नहीं खाऊंगा, क्या कर लोगे? देविका दीदी, आप किसी से प्यार करती हो ना? हाँ करती हूँ, पर तुम्हें कैसे पता? बच्चा सच बोल रहा है। मुझे सब कुछ पता है, मैं उसे आपके सपनों में लेकर आऊंगा, पहले अपनी आँखें बंद करो। तुम ड्रीम्स में जा रही हो, तुम्हारे सपने में तुम्हारा राजकुमार तुम्हारे साथ आ रहा है, आ चुका है। अंकल, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा बेटा, डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना। क्या प्रॉब्लम है? कुछ खास नहीं डॉक्टर, बस खेलते खेलते गिर गई और पैर में थोड़ी सी चोट आ गई। ओ। नाम? काव्या। ओके। बेसमेंट में लैब है, वहाँ जाकर टेस्ट करवा लीजिए और चीफ डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर, इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट? करवाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इतने सारे टेस्ट? करवाएंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, ऐसा इन्होंने कहा। चलिए आ जा बेटा।
अरे सर, पैर में मामूली सी सुई घुस गई थी, कह रहे स्कैनिंग कराओ। सरकारी हॉस्पिटल से बचकर यहाँ आते हैं तो लगता है इनके चक्कर में घर बार भी बेच कर जाना होगा। तुम टेस्ट निकाल कर डॉक्टर से मिल लेना, मैं बैंक जाकर पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है। सरोजा को लेबर पेन के लिए इंजेक्शन दिया? दिया डॉक्टर, हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। पागल हो गई हो क्या? नॉर्मल डिलीवरी से हॉस्पिटल को क्या फायदा होगा? उनसे कह दो कि डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस है, ऑपरेशन के बिना कुछ नहीं होगा, और उनसे कहो कि इस ऑपरेशन में 80,000 का खर्चा होगा। क्या कहा डॉक्टर ने? सारे टेस्ट करा के देख लिए, कुछ भी नहीं है। इतना लंबा चौड़ा बिल बेकार में बना दिया है, तुम खुद ही देखो। अब क्या कर सकते हैं, चलो पैसे देते हैं। आप इमरजेंसी वार्ड के पेशेंट संध्या के पति है ना? हाँ सर। कल शाम को उनकी मौत हो गई सर। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल पेमेंट के बाद बताने को कहा था। लेकिन सर, मैं अपनी पत्नी को देखना चाह रहा था, तो आप ही के लोगों ने मुझसे कहा कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तब क्यों नहीं बताया आपने? लेकिन रात में आप पैसों का इंतजाम कहाँ से करते, इसीलिए अभी बताया। समझ में नहीं आता कि आप लोग इंसान है कि राक्षस है। आप लोगों में जरा भी जज्बात नहीं। अगर मैंने पैसे नहीं भरे तो आप सच छुपाएंगे? सर देखिए, सर देखिए सर, मैंने सोचा मेरी बीवी को कुछ नहीं होगा, उसके लिए मैं मंदिर गया और भगवान के सामने मन्नत मांगी, लेकिन ये लोग, मैंने अपने घर को गिरवी रख के 3,00,000 रुपए लाके इन लोगों को दिए, इन्होंने पैसे ले लिए और मेरी बीवी की लाश मेरे हाथ में सौंप दी। अब मैं और मेरी बच्ची जी कर क्या करेंगे? अरे यहाँ क्यों रो रहे हो? सस्ता इलाज करना है तो सरकारी अस्पताल में जाओ। चलो चलो यहाँ से, चलो अनिल काका से आ जाते। ये तो सरासर अन्याय है। तुम बच्चे को लेकर घर जाओ, मैं जरा आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? जैसा कहा वैसा करो। शराबी कहीं का लड़कियों के हाथ पीले करने की बजाय खुद जाकर शमशान में लेट इस गया। इस बुक पर अपना अंगूठा लगाई, दो इनको। ये लीजिए बहन जी, ये रहा आपके स्वर्गवासी पति का डेथ सर्टिफिकेट। इसके बिना शमशान में आपके पति को जलाने नहीं देंगे। ये लीजिए। आप कौन? इनके जान पहचान वाला। ठीक है, काली वैन में ले जाइए। ये काली में नहीं, ये जाएंगे व्हाइट वैन में। डॉक्टर, ये बेहोश होकर नीचे गिर गए, आप खर्चे की फिक्र मत कीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। ओके ओके, आप प्लीज बाहर जाइए, जितना भी खर्च हो बाहर जाइए, मैं उठा लूंगा। प्लीज बाहर जाइए। अब क्या फायदा, ये तो मर चुका है। ये मर चुका है ये बात सिर्फ हम लोग जानते हैं, और इसके भाई ने कहा है चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए वो देने के लिए तैयार है। नकली ट्रीटमेंट की एक्टिंग करनी पड़ेगी, 4-5 लाख का बिल बनाएंगे। इतने पैसे वो दे पाएगा? जान ऐसी चीज है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, और इसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, उसके लिए जान जरूरी है, हमारे लिए पैसा। एक्टिंग शुरू करो। डॉक्टर कैसे हैं वो? घबराने की जरूरत नहीं है, आप सही वक्त पर आए हो, अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी जान खतरे से बाहर। थैंक यू डॉक्टर। भैया मेरे पति को चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब ने कहा ना भैया को कुछ नहीं होगा, इस हॉस्पिटल को आप जानती नहीं है, यहाँ हर मर्ज का इलाज है ना डॉक्टर? यस। आप जरा मेरे साथ आएंगे? पेशेंट की जान को बचाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन थोड़ा खर्चा ज्यादा हो सकता है। मैंने कहा ना डॉक्टर, पैसों की चिंता मत कीजिए, भैया को बचा लीजिए। तो जल्दी 50,000 का एडवांस पेमेंट कर दीजिए। इतना काफी होगा ना? हाँ जाइए पेमेंट कर दीजिए। ठीक है सर। सुनिए, पेशेंट के नाम पर बिल बनाइएगा। थैंक यू सर। कहाँ गया वो आदमी? डॉक्टर मैंने एडवांस भर दिया है। ठीक है, सामने मेडिकल शॉप है, वहाँ से ये दवाइयाँ ले आइए। ठीक है सर। मेडिसिन कॉस्टली है ना? हाँ है, पर सारी नहीं है। कॉस्टली ही चाहिए डॉक्टर, मैं चाहता हूँ मेरे भैया को अच्छी ट्रीटमेंट मिले। डोंट वरी, ये सब मैं देख लूंगा, जाओ पहले दवाइयाँ लेकर आओ। ओके सर। कितना हुआ? 20,000 सर। बिल पेशेंट के नाम पे ही बनाइए। आप आराम से बैग लटका कर आ रहे हैं, पेशेंट अंदर सीरियस है, कोई फिक्र ही नहीं है। हे रोजी, ये मेडिसिन लौटा कर रिसीट ले आना। ये लो भैया, सारी दवाइयाँ ठीक से चेक कर लो। यहाँ क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है भैया। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। डॉक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पर अब सब ठीक चल रहा है। एक मिनट जरा आइए, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। हाँ। एक फेमस डॉक्टर हैं सतीश शर्मा, हमारी पहचान वाले हैं, एक सेमिनार के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं, अगर वो ट्रीटमेंट देंगे तो आपके भाई के लिए बहुत अच्छा होगा।
लेकिन उनका ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली है। देखिए कम से कम 2 लाख लगेंगे। डॉक्टर खर्चे की चिंता आप मत कीजिए, आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बेझिझक बुला लीजिए। ओके श्योर श्योर। एक्सक्यूज मी, लगता है आपको खांसी है, चाहो तो ट्रीटमेंट करवा लो। मेरी ट्रीटमेंट बाद में करवा लूंगा डॉक्टर, पहले मेरे भाई को देखिए। ओके हेलो डॉक्टर सतीश। हेलो डॉक्टर, प्लीज वेलकम वेलकम। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर मेरे भैया केस जरा थोड़ा सीरियस है, एक बार होश में आए थे लेकिन फिर से बेहोश हो गए, आने वाले 2 घंटों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके थैंक यू डॉक्टर, टेक इट इजी माय बॉय। बेचारा कोई सादा बकरा तुम्हारे हाथ लग गया है। ये तो मामूली बात है। केस कितने में सेटल हो रहा है? जस्ट 5 लाख। ओह 5 लाख। अच्छा नीलू तुम्हारी शादी तय हो गई? हाँ डॉक्टर। शादी के बाद भूल तो नहीं जाओगी? हाँ भी ना डॉक्टर। डॉक्टर बॉडी डिकम्पोज हो रही है, स्मेल आने से पहले कुछ कीजिए। ठीक है तो थोड़ा ड्रामा क्रिएट करवाता हूँ। ओके कम ऑन हरी अप हरी अप। डॉक्टर डोंट डिस्टर्ब। ये लोग लाश को लेकर क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी डॉक्टर बाहर आकर अपना मुंह लटका कर अपने चश्मे उतार कर सॉरी हमने बहुत कोशिश की पर आपके भाई को बचा नहीं पाए यही कहेंगे। सॉरी हमने बहुत कोशिश की पर आपके भाई को बचा नहीं पाए। आपने 3 लाख रुपए जमा कराए, बाकी के 2 लाख जमा करके बॉडी को ले जाइए। 20 लाख रुपए पहले आप इन्हें देंगे, बॉडी तभी यहाँ से जाएगी। 20 लाख रुपए हम क्यों देंगे, क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर और लॉयर के सामने जब कोई लाचार खड़ा होता है तो वो बार बार उसके सामने एक ही विनती करता है, चाहे जितना भी खर्च हो हमारे आदमी को बचा लीजिए। नहीं समझे? मैं यहाँ पेशेंट नहीं एक लाश लाया था। आगे सुनो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो चुका था उस लाश का आप ट्रीटमेंट कर रहे थे। 10 मिनट में जहां भी हो अपने MD को हाजिर करो, नहीं तो लाश को ट्रीटमेंट देने वाले सारे डॉक्टर्स की यहाँ लाशें बिछा दूंगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अकेले अकेले आदमी ने तुम लोगों को बेवकूफ बना दिया। उसके पास क्या क्या एविडेंस है मुझे सब बताओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट, हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होने का टाइम, लैब रिपोर्ट्स, मेडिकल बिल्स, उसने तो सबकी फाइल बनाई है। कोलकाता फोन लगाओ, डैडी से बात करनी है। सर ऋषि बाबा फोन पर हैं। ऋषि भैया इस वक्त योगा कर रहे हैं, थोड़ी देर होल्ड करना। योगा करने से क्या होता है सर? योगा करने से सेहत अच्छी होती है समझे, तभी तो भैया फिट हैं। भैया ऋषि का फोन है। डैड मैं ऋषि बोल रहा हूं। शट अप। देखो अगर वो हॉस्पिटल को कुछ भी हुआ ना तो मैं सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इंडिया में हमारे जितने भी बिजनेस है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी हॉस्पिटल है। तुम क्या करोगे ये मुझे पता नहीं, ये मामला बाहर आए बिना ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसके बाद तुम लोग मेरे अंदर के राक्षस को देखोगे। हाँ वो अभी कहाँ होगा? आप बैठ जाइए सर वरना उसे लगेगा आप उसे इज्जत दे रहे हैं। तो तुम्हारा मुंह बंद करने की कीमत 20 लाख रुपए है? मुंह बंद करने के 20 और 3 लाख जो मैंने भरे थे वो भी। 23 लाख। मुझे इज्जत देने की जरूरत नहीं, बैठ जा। सर मैं कहाँ हूँ?
बॉस ये आदमी जेंटलमैन लगता है, इससे क्लैश करने से अच्छा कैश सेटलमेंट कर लो। ये लो बहन, आपके मरे हुए पति की तरफ से आपको भेंट। ये पैसे इनकी पढ़ाई और शादी में काम आएंगे। जब तक जिंदा था हमें मारता रहा, आज मरने के बाद हमारी जिंदगी बना दी आपकी दया से। हाथ मत जोड़िए, ले जाइए। ऐसे सर झुकाकर खड़े रहने के लिए आप सब डॉक्टर नहीं बने। एक हिंदू भगवान से प्रार्थना करता है, एक मुसलमान अल्लाह के सामने सजदा करता है, क्रिश्चियन चर्च में जाके प्रेयर करता है, लेकिन हर मजहब के लोग सर झुकाते हैं एक डॉक्टर के सामने। लेकिन आप लोग उनकी जिंदगी से खेलते हो। आप लोग तो डॉक्टर कहलाने के लायक ही नहीं। हमें माफ कर दीजिए सर। मेरे उसूल तुम जैसे हैवानों के लिए सिर्फ एक ही बात कहते हैं, बख्शना नहीं, बख्शना नहीं, बख्शना नहीं। कलेक्टर के आदेश अनुसार जनता की जान को नुकसान पहुंचाने वाले इस हॉस्पिटल और उसके मेडिकल कॉलेज को सील किया जाता है। सर आप यहां क्यों आए? ये पब्लिक शांत नहीं होने वाली, उसने हमसे पैसे लेकर भी हमें धोखा दिया है। सर वो कौन है ये कोई नहीं जानता। वो जिस बुढ़िया के साथ हमारे हॉस्पिटल में आया था, उसने बताया कि वो उसे सरकारी हॉस्पिटल में मिला था। वो कौन है ये पता करो, 24 घंटों के अंदर वो मेरे सामने होना चाहिए। उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, उसे ढूंढेंगे कैसे? ये दिमाग भी मही लगाओ। हमारे हॉस्पिटल में 8 एंट्रेंस हैं और हर एंट्रेंस में क्लोज सर्किट कैमरास लगे हैं। किसी न किसी कैमरे में तो वो जरूर रिकॉर्ड होना चाहिए। जाओ जाकर ढूंढो उसे। सुप्पू यहीं रहते हो क्या? हाँ यार। मीट माय क्लासमेट बालाजी। हेलो हेलो, नाइस मीटिंग यू। क्यों यार, सिटी कॉलेज से हम दोनों ने साथ में बीएससी करी थी, तो फिर अब ये तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया? अरे यार तू भी, हम दोनों ने सिटी कॉलेज से डिग्री की, बाद में हम दोनों ने निजाम कॉलेज से पीएचडी की। डिग्री और पीएचडी अलग अलग कॉलेज में नहीं कर सकते हैं क्या? अब मैं आपको दिखाता हूँ हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस के सीसीटीवी का रिकॉर्डेड फुटेज सर। प्ले करो। ओके सर। मैडम इस फ्लॉपी में जो लिस्ट है वो देखिए। हाँ हाँ हाँ, बस रुकिए रुकिए रुकिए। मैडम आप जो रेड कलर में दो नाम है उसे सेपरेट कीजिए। हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए, पता कीजिए दोनों कौन से कॉलेज में पढ़ते। मैडम प्रभाकर ने पढ़ाई की है हिंदू कॉलेज मछलीपट्टनम और मोइनुद्दीन ने पढ़ाई की है जेकेसी कॉलेज गुंटूर। मैडम पता कीजिए उन्होंने पीजी कहाँ से किया? वो जब लाश लेकर अंदर आया तो 10:47 हो रहे थे, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में 10:38 का समय बता रहा है, यानी थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि वो आदमी कौन है। सर फॉरवर्ड कर जी। नेशनल कॉलेज हैदराबाद, यस, ये दोनों एक ही कॉलेज के। मैडम एक काम कीजिए, अब हर एक कलर वाले सीआरडी में जो दो नाम है उसे सेपरेट करके उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ है ये बता सकती हैं? नेशनल कॉलेज सब एक ही कॉलेज से हैं। That's it! ये सब नेशनल कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट्स कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी हासिल करके उसमें हो रहे भ्रष्टाचार को किसी तीसरे आदमी के पास पहुंचा रहे हैं, और वो कौन हो सकता है? यही है सर, यही है। रिवाइंड, रिवाइंड करो, क्लोज करो। और करो।
है, इसे मरे तो काफी साल हो गए। नेशनल कॉलेज सर, आपके कॉलेज के एक स्टूडेंट की लिस्ट और उनके बायोडाटा चाहिए सर। किस लिए? ACF ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो सुना होगा, उस केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए थी। उस केस को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? नहीं सर, मैं उस केस के ऑफिसर का ड्राइवर हूँ, उन्हें बिना बताए केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। ड्राइवर हो और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स पर शक कर रहे हो? सर आप कहाँ फोन कर रहे हैं? कमिश्नर साहब को। सर 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 प्लीज सर, उन्हें फोन मत कीजिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ये सब मैं अपने प्रमोशन के लिए कर रहा था सर। लिसन, तुम यहाँ से पहले बाहर निकलो। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। I said get out from here. सर, मैं बिना किसी मदद के ये केस सॉल्व भी कर सकता हूँ, मुझे आपके कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। सर, पुलिस यहाँ क्यों आई थी? हमारे एक स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए थी उसे किसी ACF केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। भैया, इस शहर में पूरे 32 लाख वोटर हैं, पर उसकी फोटो किसी से मैच नहीं कर रही। मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे वो आदमी चाहिए, और वो भी जिंदा। हम उसे नहीं छोड़ेंगे भैया, उसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो मरेगा और वो भी आपके हाथों। चुनौती 28 तारीख को राशन डीलर का किडनैप, ACF की चुनौती। पिछले बार की फैक्स में किडनैपिंग की डेट मेंशन की थी, पर इस बार तो डिपार्टमेंट का नाम भी मेंशन किया। इस बार कौन सा डिपार्टमेंट है? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लगता है किडनैपिंग तुम्हारे लिए किसी खेल की तरह है। खुद किडनैप हो गए तो पता चलेगा। वो चांस आप मुझे क्यों देंगे सर, उसके लिए तो आप ही हैं। तुम्हारा कन्फर्म है, इस डिपार्टमेंट में ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। चल गए। मिस्टर सिंह, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो जल्द ही हमारे हाथ लग जाए, इससे पहले कि वो किसी को किडनैप करे। पूरे राज्य से वो 15 रिश्वतखोरों को किडनैप करने वाला है सर, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि वो 15 लोग कौन हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतने लोगों में से हम उन 15 लोगों को कैसे ढूंढ पाएंगे? वेरी सिंपल, इनमें ज्यादा रिश्वतखोर कौन है, अगर वो डिटेल्स के साथ यहाँ आए तो हम अनाउंस कर देंगे कि हम उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं। मौत के डर से वो 15 लोग अपने आप यहाँ आ जाएंगे, हमें भी सिर्फ 15 लोगों को सिक्योरिटी देनी होगी। यस, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही प्लान है। वैसे भी राशनिंग डील्स में कम लोग होते हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी देना बहुत आसान होगा। ACF वालों का प्लान फेल हो जाएगा। सिर्फ आपके स्टेशन और हेडक्वार्टर पे ही नहीं, हमारे हेडक्वार्टर के सामने भी आके खड़े हैं। आपको जिसे कहना है कहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। सुनिए, मेरी बात सुनिए, इससे ज्यादा हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मैं फोन रख रहा हूँ। सर, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने सबसे ज्यादा रिश्वत ली है, मेरा ही नंबर पहला है, मुझे ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। सर, ये नंबर वन नहीं, नंबर वन मैं हूँ, सबसे ज्यादा हेरा फेरी मैंने की है, मुझे सिक्योरिटी दीजिए ना प्लीज। सर, मैंने राशन के चावल को छुपाकर उस चावल को ब्लैक में बेचा है। सर, मैं नंबर वन हूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। सर, इतने सारे लोगों को सिक्योरिटी देना मेरे बस की बात नहीं है। ये सब क्या है? मुझे लगा सिर्फ 15 लोग आएंगे, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ का मेला चल रहा है, इतने लोग कहाँ से आ गए? सर, जूनागढ़, शिवगढ़, आजमगढ़, बरेली, रायबरेली, नरसिंहपुर, रामपुर से ही नहीं बल्कि सारे स्टेट में राशन डीलर्स पुलिस स्टेशन के पास ही खड़े हुए हैं सर। अरे बाप रे, राशनिंग डील्स में इतना घोटाला चलता किसे मालूम था? चल पीछे, चल। इस समस्या से बाहर आना है तो अभी अभी खबर मिली है, उन ACF वालों ने हमें गुमराह किया है, हमें राशन डीलरों की तरफ डाइवर्ट करके BWD के ऑफिसर को किडनैप किया है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सुनो कॉन्स्टेबल्स, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनके हाथों में जो भी फाइल्स हैं छीन लो उनसे। सर, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने कभी भी अनाज को ब्लैक में नहीं बेचा। सर सर, हेरा फेरी करूंगा तो नरक में जाऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए सर। अरे चुप बैठ तू, तू तो शक्ल से पूरा फ्रॉडी लग रहा है, पहले तुझे अंदर डालूंगा। ए, चलो गेट बंद करो। रे सर, अब राशन वालों के खिलाफ आपका क्या कदम होगा? हमारे राज्य में लगभग 40,685 राशन की दुकानें हैं, मैं उन सब की डीलरशिप को कैंसिल कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे बेकार नौजवान हैं, मैं चाहता हूँ कि ये डीलरशिप उन सबको दी जाए। क्या हुआ सर, इतने टेंशन में क्यों है? हमने जिन PWD ऑफिसर्स को किडनैप किया है
उनमें गोपी के पापा भी शामिल है। लिस्ट में उनका नाम सबसे पहले है। क्या गोपी को ये बात पता है? अभी तक तो नहीं। ए, गोपी आ रहा है। सर सर, एक गुड न्यूज है सर, ये टाइम मैगजीन का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें हमारे ACF के ऊपर आर्टिकल लिखा है सर, ACF एलिमिनेट्स करप्शन इन इंडिया। हमारे राज्य में ACF नाम की ऑर्गेनाइजेशन रिश्वतखोरों को सजा देती है। अगर ये सारे राज्यों में आएगा तो जल्द ही इंडिया करप्शन लेस इंडिया बन जाएगा। क्या हुआ सर, ACF के बारे में अमेरिकन्स ने इतना कुछ लिखा है और आप चुपचाप बैठे हैं? क्या बात है, क्या हुआ, बोलो ना सर, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? तुम सबके मुंह क्यों लटके हुए हैं? हमने जिन जिन लोगों को किडनैप किया था उनमें तुम्हारे पापा भी हैं। हाँ? इतना ही नहीं, वो लिस्ट में नंबर वन पर हैं। ए, ये तू क्या कह रहा है? आपने क्या करने का सोचा है सर? तुम्हें बताओ गोपी। जो सजा सबको दी है पापा को भी दीजिए, मार दीजिए। सर आप मेरे पापा को नहीं मार रहे, आप इस समाज में रिश्वतखोरों को मार रहे हैं सर। मैं आपको जानता हूं सर, अगर उस जगह आपके पापा होते तब भी यही करते। शुगर की वजह से अगर पैरों में गैंग्रीन हो जाए तो काटना पड़ता है सर, फिर वो पैर अपना ही क्यों ना हो। आपने जिस ACF का निर्माण किया है उसमें रिश्तेदारी की कोई जगह नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस ऑपरेशन से प्लीज मुझे दूर रखिए सर, प्लीज। सर वो रिश्वतखोर बाप हो सकते हैं पर मैं रिश्वतखोर बेटा नहीं हूं सर, मैं आपका स्टूडेंट हूं सर। गोपी तुम सबको देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कॉलेज में आवारा लड़कों को, मासूम लड़कियों को फंसाते हुए मैंने देखा है, लेकिन इस देश की तकदीर बदलने की शक्ति तुम जैसे युवकों के हाथ में है। मेरी बातों और लक्ष्य पर विश्वास करके तुम लोग मेरे साथ चल पड़े, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। सॉरी। भैया कितने पैसे हुए? 45 हुए मैडम। पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है और आपके मीटर का रेट घट रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात है, बात क्या है? पहले हम लोग को ट्रैफिक वाले को, RTO वाले को रिश्वत देनी पड़ती थी मैडम, इसलिए हम लोग भी मीटर बढ़ा के ज्यादा पैसे लेते थे। पर आजकल क्या ना मैडम, ये लेन देन का मामला खत्म हो गया है, तो हम लोग ने भी सोचा कि पैसे कम ले वही अच्छा है। आपकी ईमानदारी के लिए हैट्स ऑफ। ईमानदारी हमारी का मैडम, तारीफ करनी है तो उनकी करो जिसने करप्शन को हटा दिया और आज एक भी करप्ट ऑफिसर नहीं बचा है, उनको थैंक यू बोलो। आखिर है कौन वो, सब उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ऐसे क्यों देख रहे हो, हमें नहीं पहचानते हो क्या? मेरी वजह से तुम आज इस कुर्सी पर बैठे हुए हो। मेरा इस कुर्सी पर बैठने से आपका क्या संबंध है? तुमसे पहले जो ऑफिसर था ना यहाँ पे, उसे भी मैंने ही मारा था, अखबार में भी ये बात छपी थी, पढ़ा नहीं क्या? मुझसे क्या चाहते हैं आप? करोड़ों खर्च करके हमने जो हॉस्पिटल बनाया वो तो बंद हो गया, अब अगर तुम इस पेपर पर साइन कर दो तो नाम बदल कर हम फिर से खोल सकते हैं, कहो कैसा लगा आइडिया? अगर तूने साइन नहीं किया तो दूसरा कोई ऑफिसर इस सीट पे आएगा। इसमें 10 लाख रुपए रख लो। नहीं सर मुझे नहीं चाहिए। रिश्वत नहीं लेते हो, कोई बात नहीं, रिश्वत भले ही मत लो, डरना जरूर। चलता हूँ भाई साहब, इस आदमी की उम्र काफी लंबी है। आजकल सरकारी दफ्तरों में अफसर रिश्वत नहीं ले रहे हैं, मगर रिश्वत ना लेने पर गुंडे उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। उतना ही नहीं प्रोफेसर साहब, रामपुर के RDO मूर्ति साहब ने जब रिश्वत लेने से मना कर दिया तो उनके घर जाकर उन्हें मार दिया, और तो और सर कलेक्टर को भी आजकल धमकी दी जा रही है। गुनहगारों को सजा देना जितना अहम है उतना ही ईमानदारों की रक्षा करना भी अहम है। पुलिस रिकॉर्ड में जितने भी गुंडे बदमाश हैं उनकी लिस्ट बनाओ, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे किसी लीडर का चमचा हो, उसे छोड़ना मत। गो अहेड सर, ये राज्य के सबसे बड़े गुंडों की लिस्ट है, ये उनमें नंबर वन है।
बद्री नारायण। सर ये बहुत ही बड़ा हिस्ट्री शीटर है, अपनी गुंडागर्दी के दम पे इसने जमीनों पर कब्जा किया है। इस राज्य के पॉलिटिशियंस इसका साथ देते हैं और यहाँ तक कि कोर्ट भी साथ देती है। रघु सर, हमारे ACF मेंबर्स को जरा संभल कर रहने को कहना। ठीक है सर। पुलिस की नजर हम पर कड़ी हुई है सर। अब तुम लोग जाओ। ओके सर। ACF के नाम पर जितने खून हुए वो आपने किए क्या? आप राज्य के बारे में उस दिन सारी डिटेल्स बता रहे थे तो उस दिन मैं समझ नहीं पाई, पर आज मैं समझ गई। आपका असली चेहरा देखे बिना लोग आपको भगवान मान रहे हैं और मैं ऐसे आदमी से बिना जाने रोज बात कर रही हूँ, साथ घूम रही हूँ, हंसी मजाक कर रही हूँ। एक तरफ गलत कर रहे हो तो दूसरी तरफ तुम्हें देख के गर्व हो रहा है। रियली आई एम वेरी लकी। इतने महान काम कर रहे हो फिर भी लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहे हो, इसकी वजह क्या है? देविका, कपड़ा बनाने वाले बुनकर को हम जानते हैं, जो हमारे लिए जूते बनाते हैं उन कारीगरों को हम जानते हैं क्या? अनाज पैदा करने वाले उन किसानों को हम जानते हैं? हमारे देश की सरहद की रक्षा करने वाले फौजी को हमने देखा है? जब वो चेहरे नहीं दिखाई देते तो मेरे बारे में भी किसी को जानने की जरूरत नहीं। तुम इसका अंजाम भी जानते हो? धर्म युद्ध में जाने तो जाती है। हाँ, धर्म युद्ध में जान लेना गुनाह नहीं है। कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ उस जान की कीमत क्या है। समाज में जब कोई गलत करता है तो नतीजा कितनों को भुगतना पड़ता है ये जानता हूँ, इसीलिए ये कर रहा हूँ। इसकी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई पता है तुम्हें? आओ दिखाता हूँ। तुम हमेशा ये पूछती थी ना कि तुम्हारे आगे पीछे कोई है या नहीं। देखो ये है मेरी नंदिनी। इसका पति तो बिल्कुल हीरो जैसा दिखता है, वो कैसा भी हो तुझे क्या, ताकि मैं उस पे चांस मार सकूं। मेरे पति को नजर लगाई ना तो खैर नहीं। अरे देखो शादी होने से पहले कितने नखरे दिखा रही है। अब तक तैयार नहीं हुई, लड़के वाले आ चुके हैं। ये सारा हिसाब हो गया और ये 24 और 25। क्यों दादी, ये 24-25 क्या है? तेरे दहेज की रकम गिन रही हूँ। ये क्या कह रही हो, पिछली बार तुमने 15 कहा था। तेरी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है ना। हर साल ऐसे बढ़ती रहोगी तो कैसे चलेगा? परसों के दिन जब लड़की देखने गए और लड़की वालों ने पूछा कि लड़का कौन है, मुझे बताने में कितनी शर्म आई पता है। शर्माना कैसा, तुम तो हैंडसम हीरो हो। दादी दहेज लेना गलत बात है, मेरी बात को समझो। देखो बेटा, दहेज ना लेने के चक्कर में शराफत दिखाई ना तो लोग तुम्हें डिफेक्टेड समझने लगेंगे। दादी दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है। क्या हुआ मामा? ये देखा तुमने? क्या है? क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तुम पढ़ो मामा। आज की ताजा खबर, करुणा देवी को दहेज के लिए जेल की सजा, इस शहर की चिन्नम्मा को फांसी की सजा, कर्नाटक के कावरी देवी के हाथ पर निकाल दिए गए। कर्नाटक में क्या हुआ? हाथ पर निकाल दिए गए। दादी तुम्हारे पैरों के बारे में सोचता हूँ तो नींद नहीं आती, मैं उस लड़की से बिना दहेज के शादी कर लूंगा। दहेज लेने से ये सजा मिलती है क्या? बिल्कुल। तो फिर मैंने फैसला कर लिया है। क्यों मेरी प्यारी दहेज नहीं लेने वाली है क्या? कॉम्प्रोमाइज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लाखों मेरे लिए, लाते तुम्हारे लिए। चिल्लाए तो 5 और बढ़ा दूंगी। भांजे सारी गालियां अंदर दबा लो। सिस्टर क्या है? लाखों की बातों ने मुझे करोड़पति से रोडपति बना दिया। अब ये काम मेरे भांजे के साथ मत करो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारी गलती मेरी है। लड़की देखने का प्रोग्राम कैंसिल, ये चश्मा, ये चेन, ये वॉच निकाल कर लुंगी पहनकर अंदर जाके सो जाओ। दादी दादी क्या है? हम लोग एक सेटलमेंट कर लेते हैं। हाँ बताओ। अपनी जबान से पैसे मांगना गलत बात है ना। तुम्हें जितना भी चाहिए इशारे में कह दो। एक उंगली का 10 लाख रुपया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके लिए एक उंगली का 10 लाख, 2 का 20 लाख, ऐसे 5 लाख, 2 का 20 लाख, ऐसे 5 लाख, ये सही है। मामा भांजे, पैसे जो भी दे रहा है उसका काम तमाम। नमस्कार। नमस्कार। अरे सुन, इनका घर तो इतना छोटा है, क्या ये हमारा दहेज दे पाएंगे? चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। नमस्कार। लड़की का बाप इतना काला है, अगर लड़की भी काली हुई तो 5 और बढ़ा दूंगी। दादी गालियां गटक लो। गटक ली, चुपचाप अंदर चलो। चल चल। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। देखना मामा। हाँ। लड़की बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी है? तुम्हारी मामी बनने की रेंज में है। मैं दुल्हन की बात कर रहा हूँ। मैं क्यों, तुम खुद ही देख लो पागल।
क्या हुआ, बहुत टेंशन में हो? पहली बार लड़की देखने आए हो? पहली बार? महीने में एक दो तो देख ही लेता है। इतनी लड़कियां देखने पर भी शादी नहीं हुई तो लड़के में कोई? देखिए जो भी कहना है मुझे कहो, भांजे को कुछ मत कहो, मेरा भांजा लाखों में एक है, समझ गए? चुप हो जाओ मामा, अपनी तारीफ खुद नहीं करते। ये बता लड़की पसंद आई कि नहीं? तुझे ये लड़की पसंद आ गई ना? वेरी गुड, लड़की पसंद आ गई, इसे अंदर ले जाओ। ले जाओ, जाओ जाओ जाओ, दादी को पटाओ पटाओ। दादी दादी लड़की अच्छी है, शादी के लिए हाँ कर दो ना। मैं हाँ कैसे कर दूँ, माल कितना मिलेगा? मुंह बंद रखो, जेल हो जाएगी। इनसे मैं बात करता हूँ। हाँ जा। अंकल जी क्या बात है? तुम चुप रहो। अंकल जी हाँ बोलिए। जब तक दहेज तय नहीं होता रिश्ता मत जोड़ना। मुंह बंद। अंकल जी आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, जरा उस तरफ आइए ना। चलिए। मेरा बेटा जो आपसे बात करेगा ना, उसे ध्यान से सुन लीजिए। इसके बारे में सोचो। चुप। हाँ बोलिए। दरअसल मैं आपसे लेन देन की बात करना चाहता था। बेटा मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें दहेज नहीं दे पाऊंगा। ओह आप टेंशन मत लीजिए, असल में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी दादी पुराने ख्याल की है। मेरी दादी को बस दहेज के नाम पर कुछ न कुछ चाहिए होगा। हाँ। फिर रकम चाहे जो भी हो। हाँ। अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगी, दो उंगली का मतलब 20 रुपया होता है। हाँ। आपको जमे तो हाँ कह देना, बाद में कुछ दिक्कत हुई तो? कुछ नहीं होगा, उसके लिए मैं हूँ ना। देखिए आप सिर्फ मुझ पर भरोसा कीजिए। दादी तुम इनको बोल दो। अच्छा है ना, ऑफर बढ़िया ना। इधर आ। हाँ सिस्टर। हम 25 कह रहे थे, ये 50 दे रहे हैं। भांजे ने तीर मार दिया। हाँ भरोसा कर सकते हैं? ज्यादा मत सोचो, 25 भी चला जाएगा। अरे नहीं नहीं, ओके ओके। सुनो मुझे उनसे अकेले में मिलना है, उन्हें लेकर उस कमरे में आओ। ठीक है दीदी। जीजू क्या बात है? दीदी अंदर बुला रही है। क्यों बुला रही? मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। मैंने कहा ना चले जीजू। कहाँ ले जा रही हो? जाइए अंदर। अरे आपने मुझे यहाँ बुला लिया, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? आपसे बात करनी थी इसलिए। सच कहूँ तो मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। आप मुझे पसंद आ गए। पापा से बात करने के बाद आप और ज्यादा पसंद आ गए। सच कहूँ तो आप बहुत अच्छी हैं। आप भी बहुत अच्छे हैं। वो इसलिए कि शनिवार शनिवार को मेरी दादी कद्दू से मेरी नजर उतारती है। शादी के बाद मैं उतारूंगी। सच कह रही हो? दरवाजा खोल, अंदर क्या कर रहा है? बाबा वो दुल्हन। चुप हो जाओ। गुपचुप। मामा ये तो बिल्कुल ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। नहीं आपकी तरह है। दोनों में किसी तरह की भी हो, लेकिन इसके आने के बाद टेंशन शुरू हो गई। कौन सी टेंशन? इसके दहेज के लिए भी ये इसका सर खाएगी। मैं किसी का सर क्यों खाने लगी? उन्होंने 5-5 उंगलियां दिखाई थी, मुझे लगा 50 लाख देंगे। अभी तक तो वो पैसे मुझे दिए नहीं, पर बच्चा जरूर पैदा हो गया। सुनो बहू, अब अपने नवासे को देखने तो तुम्हारे पापा आ जाएंगे। मैं उन्हें तब तक इसे नहीं मिलने दूंगी जब तक दहेज के पूरे पैसे नहीं दे देते। अरे दे देंगे। कब दे देंगे? ये सब बातें यहाँ करना जरूरी है? यहाँ नहीं तो और कहाँ पूछूं? अरे अकल है क्या नहीं तुम्हें? अरे तुझसे ज्यादा अकल है मेरे गालियों को कटक ले, कटक ले, कटक ले। हॉस्टल में झगड़ा क्यों कर रही हैं आप? तो और क्या करूं, दहेज के इंतजार में मैं ही मर जाऊंगी। हर कोई गृह प्रवेश भगवान के फोटो के साथ करता है, मैं अपनी दादी के फोटो के साथ कर रहा हूँ। आइए आइए, ये आपका फ्लैट है। रो क्यों रहे हो भांजे? मैंने इतनी गालियाँ दी उन्हें कि वो इस दुनिया से। लाओ मुझे दो। अरे बेटा बड़ों को मारते नहीं है। ये लो टाइगर तुम्हारा पोस्टिंग ऑर्डर, परसों से तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। पगार कितनी है? पूरे 40,000। आपका बैड लक, मेरी बहन 1,00,000 रुपए मांगती। अरे बस कर कितना मारेगा सर? हमने जहाँ फ्लाईओवर की परमिशन ली उसके बगल में ये अपार्टमेंट है। ये अपार्टमेंट भी वहाँ के तालाब को बंद करके हमने ही बनाया है। जहाँ फ्लाईओवर को कॉलम्स डालते वक्त उसके प्रेशर से इस अपार्टमेंट की बुनियाद हिलकर इमारत ढह जाने का डर है। करना क्या होगा ये बताओ? अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को खाली कराकर हम उन्हें कॉम्पेंसेशन दे देंगे तो अच्छा होगा। कॉम्पेंसेशन? एक बात बताओ, अगर भूकंप जैसी चीज से उनका घर गिर जाता है तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे? किस्मत की बात है, तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं चला तब तो बर्बादी हो जाऊंगा। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ और आप बिजनेस की बात कर रहे हैं। इंसानियत की बात मैं क्यों सोचूं? वहाँ क्या मेरे बीवी बच्चे बैठे हुए? जितनी जल्दी हो सके काम शुरू करो। नंदू कहाँ हो? नंदू आ रही हूँ। बड़ी देर से पूजा कर रही है, क्या मांग रही थी? कुछ नहीं जी, मेरा संसार
बच्चे, आप, आपका प्यार और ये खुशी आप सबसे कभी दूर ना करे, यही भगवान से प्रार्थना कर रही थी मैं। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जस्ट रिलैक्स, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे लेट जाओ। मामा, नंदू, 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 अच्छा और हम सब के बीच खुशी, बस यही मेरा संसार है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इन सब से दूर ना करे। टैगोर, कैसे हुआ, कैसे हुआ ये? बोल कैसे हुआ? बताता हूँ सर, बताता हूँ। मैंने खुद उन्हें बताया था कि अगर वहाँ फ्लाईओवर बना तो बगल के अपार्टमेंट ढह जाएंगे, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। एक मिनट सर। ये लीजिए सर, इस फाइल में सब के सब डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन से डिपार्टमेंट को क्या क्या देकर मैनेज किया गया है सब मौजूद है सर। देखिए, खुद देख लीजिए, सारी डिटेल्स इसी में है सर। सरकार हमें तनख्वाह देती है लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जान लेने के लिए नहीं। रिश्वत लेकर बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी, इसलिए 70 फैमिली बर्बाद हो गई। 215 लोग मर गए, 150 लोग घायल होकर हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और बेचारे छोटे छोटे बच्चे मलबे में दबकर मर गए। कलेक्टर साहब, पहले वहाँ एक छोटा सा तालाब था, इन लोगों ने उसे ढक दिया।
10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर इन्होंने कह दिया कि जमीन अच्छी है। मैं मानता हूँ कि हमने ठप्पा मारा है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने भी तो सॉल टेस्ट किया था। क्या आपको पता नहीं था कि वो अपार्टमेंट बनने वाला है? रिश्वत आपने ली और गलत हमें ठहरा रहे हैं। 19 लाख लिए हैं आपने। आप दोनों के कारण आज हम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अरे वाह, आप तो बड़े ईमानदार हैं। सर मैं बताता हूँ ये कितने ईमानदार हैं। 20 लाख रुपए लिए थे इन्होंने। मुझ पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचना। हाँ हाँ पता है, इन्होंने 40 लाख लिए थे। मैंने कब 40 लाख रुपए लिए सर? मैंने सिर्फ 23 लाख रुपए लिए। अरे बैठिए ना आप। उसमें से 5 लाख डी साहब को दिए, 7 लाख एडीए साहब को दिया, 6 लाख ए साहब को दे दिए, तो फिर मेरे पास बचा क्या? सिर्फ 5 लाख। पैसे तो सिर्फ आप लोग ही कमाते हैं। ये कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ पे? इंक्वायरी चल रही है, बाहर प्रेस वालों के सवाल खत्म नहीं हो रहे और यहाँ तुम लोगों की बकवास चल रही है। किसको कितना चाहिए ये बताओ, मिल जाएगा तुम्हें। और कह देना कि इंक्वायरी में कुछ भी नहीं मिला, केस खत्म करो। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे ये ऑफिस है, आप थोड़ी डिसेंसी रखिए। डिसेंसी? अपनी बेटी की मेडिकल सीट के लिए जब 10 लाख रुपए लेने आया था तब कहाँ गई थी तेरी ये डिसेंसी? डिसेंसी सिंसियरिटी की बात कर रहा हूं। हमारी बात तो ठीक है, पर उनके पास सारे सबूत हैं सर। अगर वो आपकी बात मान गए तो हम भी मान जाएंगे। क्यों जेंटलमैन, छोटी सी बात को क्यों बतंगड़ बना रहे हो? अरे उस फाइल को हासिल भी कर लो तो क्या हो जाएगा यार? चलो मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें 2 चांस देता हूँ। इस पूरे इलाके में तुम जिसको भी चाहो जाओ मेरी कंप्लेंट कर दो। जाओ आजा आजा। कमिश्नर का ऑफिस है ये? हाँ सर। कुछ दिनों पहले जो अपार्टमेंट ढह गया था उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है सर। इस केस की सारी जानकारी है मेरे पास। सॉरी रॉन्ग नंबर। क्यों रॉन्ग नंबर लग गया? अगला ट्राई करो। हेलो, होम सेक्रेटरी बोल रहे हैं? हाँ सर, जो अपार्टमेंट है गया था उसके। अरे रॉन्ग नंबर। ये भी रॉन्ग नंबर लग गया। सही नंबर लगेगा ही नहीं। सरकार ने तुम लोगों को जो 1 लाख रुपए देने का वादा किया था ना, बीवी और बच्चों के लिए 11 लाख रुपए। अब चलो मानता हूँ कि तुम्हारी बीवी बेचारी गर्भवती थी, मान लो कि उसका बच्चा भी हो गया होता, उसके पैसे 1 लाख से मिल जाते। ये सारा हिसाब किताब छोड़ो, मैं तुम्हें पूरे 25 लाख देता हूँ। जाकर वापस शादी कर लो, उम्र भी तुम्हारी ज्यादा नहीं है, अगले साल बच्चा भी हो जाएगा। चलो वो फाइल मुझे दो। क्या हुआ भाई, ऐसे ही चले जा रहे हो? पैसों की जरूरत नहीं है क्या? शरीफ आदमी है, बिना एक पैसा लिए फाइल देकर जा रहा है। सीखो, इनसे सीखो तुम लोग कुछ।
इसे निकालो यहां से, जल्दी करो, इसे कहीं और ले जाकर ठिकाने लगाओ। मुझे वापस जिंदगी देने वाले वो कॉलेज के स्टूडेंट्स ही थे। इतने लोगों की मौत का कारण बने मंत्री नारायण को मैंने नहीं मारा। इन सब के पीछे जो रिश्वत खोरी है उसे मैं हटाना चाहता था। परेड आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़। इस समाज को सिर्फ देश के नौजवान ही बदल सकते हैं। इसलिए नेशनल कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करके कई हजारों बच्चों को देश की सेवा के लिए तैयार किया और ऐसे ही निर्माण हुआ ACF का, एंटी करप्शन फोर्स। गैर कानूनी तरीके से 30 रुपए का टेंडर फॉर्म लेकर आने वाला अटेंडेंट हो या 300 करोड़ के टेंडर पर रोड बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर, सारे मुजरिम हैं। और ये सारे अगर समाज में इसी तरह बढ़ते गए तो ये पूरे के पूरे समाज को दीमक की तरह चाट जाएंगे। ACF इन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं जानती थी तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई उसमें तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। प्लीज कैरी ऑन। बद्री नारायण को किडनैप करना इतना आसान नहीं है सर। एक मौका है सर, परसों उसकी सालगिरह है, ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे हैं, साथ में पुलिस भी होगी, थोड़ा मुश्किल लगता है सर। उसे उसकी सालगिरह पर ही किडनैप किया जाएगा। कैसे सर? एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू बद्री जी। हाय रेड्डी साहब, हाय, एंजॉय एंजॉय। इंतजाम तो आपका बहुत। बद्री नारायण जिंदाबाद, बद्री नारायण जिंदाबाद, बद्री नारायण जिंदाबाद, बद्री नारायण। मान गए सर, आपका इंतजाम तो वाकई बहुत शानदार है, ये सच में बहुत अच्छा। मेरे भाई ने अरेंज किया होगा। क्यों रहा है? तूने इंतजाम किया है? नहीं भाई, शायद होटल वालों ने किया होगा। ओह, बद्री नारायण। नमस्ते सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब आपके फैंस हैं सर। चलिए सर, केक काटो। ओके ओके। बद्री नारायण जिंदाबाद, बद्री नारायण जिंदाबाद, बद्री नारायण जिंदाबाद, बद्री नारायण जिंदाबाद। केक काटिए सर। मेरे भैया के फैंस तो देखो, उन्हें पॉलिटिक्स में आने के लिए उकसाते रहते हैं। हैप्पी डेथ। आने वाले 5 सेकंड में हम तुम्हें किडनैप करेंगे। ACF, ACF मुझे किडनैप करेंगे। छोड़े छोड़े छोड़े। हां भैया, तुम लोग कौन हो? गली में ले जाके हमें किसी ने 100 रुपए दिए और कहा कि हमें किसी स्पेशल पार्टी में चलना है, तो हम यहाँ आ गए। भैया अंधेरे में खड़े हो, दम है तो उजाले में आओ। मैं उजाले में आऊंगा तो तेरी आंखें चौंधिया जाएंगी। उजाले में आने की ताकत नहीं इसलिए अंधेरे में रहकर ACF चला रहे हो। हिम्मत तो आओ सामने।
तुम यहाँ? मुझे उजाले से कोई डर नहीं, पर यही अंधेरा लोगों की जिंदगी बचाता है। आजकल लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, ऐसी अब उन्हें कब तक याद रहेगा? जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। सूरज पूर्व से उगकर पश्चिम में अस्त होता है, ये विश्वास जब तक लोगों के दिलों में जिंदा है तब तक रहेगा। इस धरती पर जब तक अच्छे लोगों का जन्म होता रहेगा तब तक रहेगा, यही विश्वास है हमारा ACF। इस तरह के फालतू बातों से लोगों को बहकाना हमारा काम है, तू क्यों कर रही है सर? मैं किसी काम पर विश्वास करता हूँ तभी उसे करता हूँ, और उसे करने के बाद सीना ठोक के बोलता हूँ और अपनी बात पर कायम रहता हूँ। क्यों बे, ACF के किराए के टटुओं पर इतना उछल रहा है, मैं बताऊँ मेरे पास कितने? मेरे एक इशारे पर ACF तो क्या, सारी जनता तुझ पर टूट पड़ेगी। पैसों के टुकड़ों पर तेरे चमचे पलते हैं, लेकिन मेरे लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी ईमानदारी को पसंद करते हैं, जो रिश्वतखोरी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में मेरे सैनिक की तरह है। मैं बंधा हूँ इसलिए तेरी आवाज निकल रही है, हाथ खोल, तुझे और तेरे ACF को यही चूर कर दूंगा। शट अप, लोगों की जिंदगियों से खेलना तेरी आदत है और लोगों की जिंदगियां संवारना मेरी। तुझे सिर्फ दो चांस दे रहा हूं, तुझे बचाने के लिए इस स्टेट में किसी से भी मदद मांग ले। हेलो, हाँ मैं बद्री बोल रहा हूँ, होम मिनिस्टर के पीए का ऑफिस है। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर लग गया क्या? मैं बद्री बोल रहा हूँ, पुलिस कमिश्नर ऑफिस। पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है क्या? अरे बोला ना, पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है। कमिश्नर साहब का फोन दो। चिल्लाता क्या है बेरे, पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है। किसका फोन है? पता नहीं सर, कोई पानी पूरी वाला है, पूरी मांग रहा है, रॉन्ग नंबर है सर। तुझे पता है सही नंबर किसका है? तेरे भाई का। नो चांस रघु, डॉक्यूमेंट्स। तेरी बेईमानी का पूरा कच्चा चिट्ठा है ये। इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि तू अपनी सारी कमाई गरीबों में बांट रहा है। चल जल्दी से साइन कर दे इस पर। जा नहीं करता। नहीं करेगा तो तुझे खत्म करके इन डॉक्यूमेंट्स पर तेरे अंगूठे के निशान लगवा लूंगा। टैगोर, गर्दन काट डालूंगा। अब अगर और चिल्लाया तो तेरे गले की नसों को निकालकर अपने जूते की लेस बना दूंगा। क्या पी रहे हो? बूस्ट। बूस्ट नहीं, वेस्ट है, ये छोटे बच्चे पीते हैं। लेकिन एड में तो क्रिकेटर भी पीते हैं। वो तुम्हारी तरह वेस्ट फेलोज नहीं है ना? ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लगता है, वैसे भी हमारे देश के क्रिकेटर के सामने सारे वेस्ट हैं। हे, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। क्यों, नहीं कर सकती क्या? कर सकती हो, जोक तो क्या, तुम तो जो चाहे वो कर सकती हो। छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो करो ना। आज से खाना मैं ही बनाऊंगी। हा? खाना तुम क्यों बनाओगी? क्यों, जो पसंद है उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? कर सकती हो। ए चिंटू, देवी का मुझसे बहुत प्यार करती है। क्या बोलूं इसको, मुझे लगता है ये सचमुच का प्यार नहीं है। बकवास बंद कर, मुझे काम ना करना पड़े इसलिए वो खाना बना रही है। जरूरी थोड़ी ऐसा ही हो, तुमसे स्मेल आती है ना, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। जिसे पसंद करते हैं उसके लिए खाना बनाना गलत नहीं है, उसने कहा। अच्छा, हाँ, सच में ऐसा कहा? हाँ, अच्छा कहा ना, तो फिर बजाओ ना। वाह, तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो। वीणा बजा रहा है। हेलो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जो खाने की बात की है तुम्हारे बारे में नहीं थी, उनके बारे में थी। तो तुम भैया को पसंद करती हो? और क्या, भैया तो तुम्हारे हैं, मेरे लिए तो जान है, आई लव हिम। अरे अब अचानक इसको क्या हुआ? वो था, उतर गया। मुझे एक छोटा सा डाउट है, तुम भैया से प्यार करती हो पर भैया के पास तो टाइम ही नहीं है। उन्हें मुझे प्यार करने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। राम के स्पर्श पर अहिल्या जाग उठी थी, पता है ना? वैसे ही तुम्हारे भैया के देखने से मेरे दिल के तार बजने लगते हैं। उनकी आंखों में कितना मेगा पावर है पता है? कितना है? मुझे बहाने नहीं चाहिए, प्लीज। मेरे भाई को किडनैप हुए 2 दिन हो गए हैं। आपने क्या किया? आपसे नहीं हो सकता तो बताइए, मैं सेंटर में फोन करता हूँ। प्लीज कूल डाउन। इस केस के लिए दिल्ली से एक स्पेशल ऑफिसर आ रहे हैं। मिस्टर सिंह सर, इस केस के सारे डिटेल्स मिस्टर बलबीर को फैक्स कर दीजिए।
वेलकम सर। थैंक यू। आइए सर। हाँ चलिए। यार राज्यामध्ये काय ऑफिसर नव्हते जे याला दिल्लीवरून बोलवलेलं आहे, काय उखाडणं आहे बघूया। मला मराठी पण येते। सॉरी सर। व्हाट अ शेम, इतने सारे पुलिस वाले होते हुए इस केस के बारे में आपको एक क्लू भी नहीं मिला, ये बड़ी शर्म की बात है। बात ये है सर, इस केस के बारे में हम बहुत महीनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर क्या करें, पुलिस नेटवर्क से ज्यादा उन एसीए वालों का नेटवर्क फैला हुआ है। नेटवर्क नहीं, टीम वर्क है। सारे राज्य में पोस्टर लगा दो कि उसके बारे में हमें कोई भी क्लू देगा तो हम उसे 25 लाख रुपए देंगे। ये केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता कोई भी आराम नहीं करेगा। सरकारी नौकरी में काम करने वाली अधिकारी से अगर कोई भी काम करवाना हो तो वो बिना रिश्वत लिए कभी नहीं मांगता। एसीएफ के बारे में अगर आप जानते हो तो पुलिस आपको 25 लाख देगी, तो आप इन्फॉर्मेशन देंगे? वो कौन है मुझे भी जानना है। 1 लाख ज्यादा देता हूँ, बताएंगे? कुछ भी हो उनके बारे में नहीं बताएंगे। नो चांस। क्यों पुलिस के हवाले करें? अभी तो राशन शॉप में हमें जो चाहिए वो मिल रहा है ना, इसे भी बंद करवा दे। पर पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस तो ऐसी ही है, जो अच्छा काम करता है उसे पकड़ के ले जाते हैं, उन्हें क्या लेना देना, उन्हें तो सरकार से पैसे मिलते हैं, हमारे हिस्से का छीन कर वो लोग खा जाते हैं, मरते तो हम लोग है ना। हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, जाओ। इस राज्य के सारे लोग काफी सेंटिमेंटल हैं, सारे क्रिमिनल्स को हीरो बनाना इनकी आदत बन चुकी है। ये बात तो सही है सर, आपको एक बात बतानी है सर। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ जाकर समोसा चाय लेकर आओ, जल्दी जाओ। लेकर आता हूँ, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, तीनों लेकर आता हूँ, अच्छे से बैठकर खाइए। सर ये इनके लिए कोई कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं, कैंटीन है। ये जो भैंस बैठा है ना, हमेशा समोसे की बात करता लेकिन केस की बात नहीं करता। अरे बदतमीज, आज तेरी जबान बहुत चल रही है, निकल यहाँ से निकल। कौन है ये? ड्राइवर है सर। हाँ ड्राइवर हूँ, इसलिए आप जो पता नहीं कर सके ना वो मैंने पता करके दिखा दिया। सर 15 दिन की छुट्टी लेकर और आधी पगार लेकर मैंने सारे सबूत इकट्ठा किए सर। ये लोग बैठकर समोसा खाते रहे पर मेरे कभी सबूत नहीं देखे। सर ये केस सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ समोसा खा सकते। अब मुँह खोला तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, जाओ यहाँ से, गेट आउट। आप चुप रहिए, सिट डाउन। तुम बताओ। सर ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, टेररिस्ट पावर नहीं है, नक्सलाइट पावर नहीं है, स्टूडेंट पावर है। व्हाट? देखिए सर, ९० प्रॉब्लम तुमने ही सॉल्व कर दी। सुनिए मिस्टर सिंह, सर जल्द से जल्द सरकारी ऑफिसेस में काम करने वाले नेशनल कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट्स को अरेस्ट कीजिए। कितना भी मारो कोई फायदा नहीं, कोई अपनी जबान नहीं खोल रहा है। इस राज्य में हर जगह इंटरोगेशन तो ठीक ठाक चल रही है ना? यस सर। किसी ने भी अभी तक अपनी जबान नहीं खोली? कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। सर श्रीरामपुर से आपके लिए फोन है। हेलो, मैं सुजान सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ किसी ने कुछ बताया? मैंने बहुत कोशिश की, मुंह नहीं खोल रहे। तो 3rd degree का इस्तेमाल करो। सर ये आइन सबको मार मार के हमारे हाथों में दर्द होने लगा है। सर प्लीज सर इन्हें मत मारिए सर, इन्हें देखता हूँ तो मुझे दर्द होता है। हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, सच उगलवाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। सर इन सब के घर वाले मिलने आए हैं सर। ठीक है सबको ऊपर बुलाओ। ठीक है सर। देखना अब सच बाहर आएगा। कैसे सर? सारे सेंटिमेंटल फूल्स जो हैं। सिर्फ आपके बेटे को ही नहीं, सबको छोड़ दूंगा। ये बताइए उनका लीडर कौन है? ए! आप जाइए। रवि, 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 रवि,
मुझे क्या हो गया? दर्द हो रहा है क्या बेटा? जितना भी दर्द हो बर्दाश्त कर लेना बेटा, लेकिन उनका नाम अपनी जुबान पर कभी मत लाना। इन पुलिस वालों की मार कुछ दिनों बाद मिल जाएगी। अगर उन्हें पुलिस के हवाले किया तो पाप जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, मत बताना। ए, तुम इसकी माँ हो कि क्या हो? तुम्हारा बेटा मौत से लड़ाई कर रहा है, किसी और के लिए इसे खोदोगी? तुम उसके बारे में जानती क्या हो? हा? कभी देखा भी है तुमने उसे? भगवान को कभी देखा है तुमने? अगर ये मर गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। अगर उन्हें पुलिस के हवाले किया तो मुझ जैसे न जाने कितने लोग रोएंगे, पता है तुम्हें? ये खाकी वर्दी एक बार निकाल कर हमारी जिंदगी देखो, मुसीबतें देखो। हम शांति से दो वक्त की रोटी खाई आपको पसंद नहीं, लेकिन वो हम लोगों का अन्नदाता बना। मारो मारो, जितना मारना है मारो, जितना मारना है मारो। ये नाम नहीं बताएगा, सिर्फ यही नहीं, इनमें से कोई भी नाम नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। जितना मारे मार दे दो, कोई नाम नहीं बताना। मैं कहती हूँ कोई नहीं बताना नाम, कोई भी नहीं बताना, इसे मारने दो। जितना मारना है मारो। सूर्या, ये क्या है? भगवान को तो आज तक मंदिरों में देखा है, लेकिन इंसान में पहली बार। आप ही ने कहा था ना सर, सब सेंटिमेंटल फूल हैं। हमारी जनता किसी पर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करती, लेकिन एक बार विश्वास करो तो मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ती। कई सालों से राज करने वाले अंग्रेजों ने जाते जाते एक मंदिर का निर्माण किया। उस मंदिर में हमने भगवान की मूर्ति स्थापित की। आज भी उस मंदिर में पूजा अर्चना होती है और सालों से त्योहार भी मनाए जाते हैं। हमारे राज्य में लोगों को धोखा देने वाला लीडर है, लेकिन लीडर को धोखा देने वाले लोग नहीं। हम इन्हें मारकर इनके जिस्म से सिर्फ खून निकाल सकते हैं, पर इनकी जुबान से उस आदमी का नाम नहीं निकाल सकते। सर, मुझे उनसे एक बार मिलना है, हर हाल में। हेलो, मैं रघु बोल रहा हूँ सर। सर, जब तक वो एसीएफ लीडर को गिरफ्तार नहीं करते तब तक उनको बेल नहीं मिलेगी। तब तक किसी को रिहा नहीं करेंगे सर। बद्री, हेलो हेलो रघु, हेलो रघु, हेलो रघु, रघु माय गॉड, शेखर सर, रघु रघु रघु, ये सब कैसे हुआ, कैसे हुआ ये सब? हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं सर, मैं नहीं बचूंगा, हमारे एसीएफ को बचा लीजिए सर। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो गए। आया अब तो होगी जीत, सच सही और हमारी न्याय की। तूफान आया अब तो हार निश्चित ही होगी, असुरों के बुराई की। तूफान आया अब तो बारी है मरते दम तक चलने वाली लड़ाई की। तूफान आया अब तो बारी है देश भर से गंदगी के सफाई की। उसे पकड़ो कहने से क्या होगा सर? कम से कम उसकी फोटो तो होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि कोई नहीं जानता वो कैसा दिखता है। सर, आप जितना सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है। ठीक है सर। उस लीडर का पता होता तो हम यहाँ थोड़ी होते, घर पर होते। यस सर।
बलबीर सिंह ने हमारी नाक में दम कर रखा है सर। पूरा डिपार्टमेंट एसीएफ लीडर को लेकर ही परेशान है। Excuse me, सर। अरे रुक जा भाई, क्या कहा? अरेस्ट किए हुए लोग, उन्होंने कहा वो मर जाएंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे। ओके सर। हाँ बोल, क्या चाहिए? बलबीर सिंह से मिलना है। ऊपर कहीं होंगे, जाके ढूंढ ले। ये एसीएफ वालों ने तो हम सब की रातों की नींद हराम कर दी है। सर बलबीर सिंह जी कहाँ मिलेंगे? कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। मुझे तो शक है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी एसीएफ के लोग हैं, तभी तो हम आज तक उसे पकड़ नहीं पाए। हमारे राज्य में पूरे 83,000 पुलिसमैन हैं, पर वो सिर्फ एक अकेला आदमी। शेम ऑन अस। एक्सक्यूज मी सर। ये क्या, कौन हो तुम? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, तुम लोग सो रहे हो क्या? सॉरी सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पे बहुत टेंशन में हैं। तुम अचानक बीच में आकर और टेंशन बढ़ा रहे हो। आप जिसके लिए टेंशन में हैं सर, वो आदमी मैं ही हूँ। क्या कहा? वो एसीएफ लीडर टैगोर, मैं ही। तुम्हारी बात का हमें विश्वास करना होगा? प्रूफ कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी बकवास कर रहे हैं सर। अपने इमेज लोगों के सामने और टीवी पे आने के लिए ये सब बकवास कर रहे हैं सर। मैंने कैसेट में सुना, आवाज इन्हीं की है। उस आवाज में गंभीरता है, इन आंखों में तेज देखो, वो कॉन्फिडेंस। यस, यू आर द लीडर, वेलकम सर। थैंक यू सर। आइए प्लीज। नहीं नहीं, ठीक है सर। प्लीज सिट डाउन, कुर्सी पर बैठिए प्लीज। थैंक यू। बाप रे बाप, अब जान में जान आई, हमने एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ लिया। नहीं, हमने इन्हें नहीं पकड़ा, इन्होंने अपने आप को कानून के हवाले किया है। ही इज नॉट अ क्रिमिनल, ही इज अ क्रिएटर, क्रिएटेड सेंसेशन। बताइए टैगोर। सर, अरेस्ट किए हुए हमारे लोगों को अनकंडीशनली छोड़ दीजिए। उन पर जो भी केसेस हैं वो विड्रॉ करके प्लीज उन्हें रिहा कर दीजिए। इस ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूं। आप मुझे अरेस्ट करके सजा दीजिए। यस आई नो टैगोर जी, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। एसीएफ लीडर टैगोर, उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। उनके जितने भी आदमी हैं उन सबको उन्होंने रिहा करने का अनुरोध किया है। पुलिस वाले गवर्नर से बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट टैगोर को फांसी की सजा सुनाएंगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ये सुनने के बाद जनता में क्रोध की आग फैल गई है। सीएम साहब आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। चाहे यहां हो, वहां हो, किसी भी देश में हो, लेकिन लोगों के दिलों में इज्जत पाना बहुत बड़ी बात है। वो इज्जत आपने पाई है टैगोर। ऐसे इंसान से इस जगह पर मिलने के लिए आना मेरे लिए शर्म की बात है। जब मैं 20 साल का था तब मैंने सोचा कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करूंगा, इसीलिए मैंने राजनीति ज्वाइन की। सारा समय तो कुर्सी को बचाने में निकल जाता है। टैगोर, हमने जो जनता के लिए करने की सोची थी वो तुमने कर दिखाया। गरीबों को राशन और पानी टाइम पर मिल रहा है, इसका श्रेय आपके एसीएफ को जाता है, हमें नहीं। आप जैसा महान इंसान सलाखों के पीछे इस बात को लेकर लोगों में काफी रोष है। आप जैसे महान इंसान को फांसी की सजा हो, इस बात से लोग बहुत दुखी हैं। और जिन लोगों को बहुत दुख है उनमें से एक मैं भी हूँ। जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें इस देश में ऐसे ही सम्मान मिलता है सर। यू आर राइट, लेकिन आप जैसे इंसान को हम खो नहीं सकते टैगोर। अगर आपको फांसी की सजा होती है तो मैं राष्ट्रपति महोदय से माफी की याचना करूंगा। माफी की याचना? एक शब्द है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे माफी की भीख नहीं चाहिए। मेरी कोई भी गलती अगर कोर्ट में साबित होती है तो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर प्रोसिक्यूशन ने आपकी गलतियों को साबित कर दिया तो? अगर वाकई गलत होता मैं तो आप यहाँ नहीं आते। अगर मैंने गलती की होती तो लोगों को मेरे लिए हमदर्दी नहीं होती। असल में आप भी जानते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, इतना ही काफी है। महान लोग हमेशा जिद्दी होते हैं, आपको देखकर मुझे ऐसा ही लगा। मैं आपके लिए एक वकील अपॉइंट करना चाहता हूँ, उसके लिए तो मान जाइए। नहीं सर, मेरा केस मैं खुद ही लड़ूंगा।
आप मुझे मिलने यहाँ तक आए, धन्यवाद सर। ये क्या है सर, एक आदमी के लिए इतने सारे लोग? आज तक लीडर्स को हमेशा पार्टियों ने चुना है, ये अकेला इंसान है जिसे सारी जनता ने चुना है। महेश्वर जी, सर, जिस जनता के लिए टैगोर ने ये सब किया, मैं चाहता हूं कि टैगोर की वो आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचे, कोर्ट की सारी कार्यवाही को ब्रॉडकास्ट किया जाए ताकि उन्हें सारी जनता देख सके। हेलो सर, मैं कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, लाइव टेलीकास्ट देख रहा हूँ, फोन रख। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? लाओ इसे। अरे ये माचिस तुम्हारे जिस्म को जला देगी, इस आग को अपने सीने में भर कर रखो जो हजारों को जिंदगी देगी। मेरे लिए मत मारो सर, प्लीज हमारे साथ चलिए, चलिए प्लीज। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बच्चों? हाँ, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, किसने कह दिया ये सब? भैया। देविका, भगवान ने मुझे दो बार बच्चे दिए, एक बार मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया और इस बार मुझे इन बच्चों से दूर कर रहा है। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मान लो अगर कुछ हो भी जाता है तो इन्हें बोझ मत समझना, जिम्मेदारी समझना। चलता हूं रमेश भैया, ख्याल रखना। ओ सूर्या जी, आपको प्रमोशन मिल गया? मिल गया सर, मैंने मना कर दिया। क्यों? एक गुंडे को पकड़वाकर, एक चोर को पकड़वाकर, एक स्मगलर को पकड़वाकर प्रमोशन लेने में मजा है सर, लेकिन एक भगवान को पकड़वाकर प्रमोशन लेना अच्छा नहीं लगता सर। अरे सूर्या जी, आपने अपनी ड्यूटी निभाई, अगर सब अपनी ड्यूटी इसी तरीके से निभाए तो टैगोर को कोर्ट की सीढ़ियां ही न चढ़नी पड़े। आप हमेशा ऐसे ईमानदार रहें। इस भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा मैं वही कर रहा हूँ सर, फिर ये शपथ लेने की क्या जरूरत है? ये कोर्ट की प्रोसीजर है, अगर आप गीता पर हाथ नहीं रख सकते तो अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खा सकते हैं। थैंक यू सर, आत्मा को साक्षी मानकर कहता हूँ, सोसाइटी में हो रहे अन्याय को देख कर ACF का निर्माण किया जिसका पूरी तरह से मैं ही कर्ता धर्ता, कर्मा और क्रिया। टैगोर साहब, एक CM का जितना नेटवर्क होता है उतना ही बड़ा नेटवर्क आपका भी है, आप इतने तेज हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, फिर भी आपने ये रास्ता क्यों चुना? सर कुछ साल पहले नामचीन क्रिमिनल लॉयर अवध नारायण सिंह ने आपको जूनियर के तौर पे भर्ती करने के लिए 5,000 मांगे, आपके मजबूर पिता ने घर बेचकर आपकी बहन की शादी न करके उन पैसों से आपको वकील बनाया, इन्हीं सब बातों से प्रेरणा लेकर मैंने ये मार्ग अपनाया है सर। आखिर ये सब आपको कैसे पता? आप ही ने कहा था ना सर कि एक CM के बराबर उनका नेटवर्क है,
देखिए मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी, बताइए इतने बड़े नेटवर्क को चलाने वाले आप रिश्वत लेने से ज्यादा खून संगीन जुर्म है आप जानते नहीं थे? रिश्वत लेना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है शिवा राव साहब। एक छोटे से राज्य के पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हुए भी आपके पास सिटी में 5 करोड़ की कीमत का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, राजापुर में एक थिएटर, बीजापुर के विश्व सर्कल में 3 दारू की दुकान है, ये सब कहां से? बेकसूरों को फांसी पर चढ़ाने के बाद आया। मैं ईमानदार लॉयर हूँ। मैं एक ईमानदार लॉयर से नहीं, एक रिश्वतखोर इंसान से बात कर रहा हूँ। ऊंची आवाज में बात की तो तेरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा, हरी कोर्ट में मुंह काला हो जाएगा। योर ऑनर, मुजरिम गुना को साइड ट्रैक कर रहा है। बात आपके सर पर आई तो साइड ट्रैक हो गई, यही मेन ट्रैक है। समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिश्वतखोरी की, हमारी प्रॉब्लम, हमारे इस देश की प्रॉब्लम। सर, अगर बेटा बिगड़ता है तो माँ कुछ नहीं कर पाती सिवाय जान जलाने के और आंसू बहाने के अलावा, और ऐसे ही आंसू बहाती हुई हमारी भारत माता रिश्वतखोरी से पीड़ित होकर अचानक मौत के दरवाजे पर खड़ी है, तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? सर, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, इस देश में कई संस्कृति और भाषाएं, ये देश जापान से कम नहीं है, इसकी जनगणना 125 करोड़ और अमेरिका की जनगणना हमसे आधी भी नहीं। उनके यहाँ अगर एक बिल गेट्स पैदा होता है तो हमारे यहाँ कितने पैदा हो सकते हैं, लेकिन एक भी नहीं पैदा हो सका। हमारे देश में साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट को देखना हो तो रिश्वतखोरी, काबिल इंसान की काबिलियत को देखना हो तो रिश्वतखोरी। इसीलिए सर, भविष्य के बिल गेट्स हमारे देश से पलायन होकर जा रहे हैं और विदेशों में बस रहे हैं। जूते बनाने वाले अब्राहम लिंकन अमेरिका के अध्यक्ष बने, और हमारे देश के अब्राहम लिंकन को जूते बनाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत, म्युनिसिपैलिटी पानी के लिए रिश्वत, घर बनाने के लिए रिश्वत, बिजली लाने के लिए रिश्वत, और बिजली ना कटे उसके लिए भी रिश्वत, राशन कार्ड के लिए रिश्वत, राशन लेने के लिए रिश्वत, किसान को ऋण लेने के लिए रिश्वत, और ऋण ना चुका पाए तो जमीन को बचाने के लिए भी रिश्वत, अस्पताल में बेड के लिए रिश्वत, खून पाने के लिए रिश्वत, और वहाँ से डेड बॉडी को निकलवाने के लिए भी रिश्वत, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी रिश्वत, मनुष्य के पैदा होने से मरने तक रिश्वत, रिश्वत, रिश्वत। खाने के डिब्बे से लेकर रेल के डिब्बे तक हर जगह बेईमानी चल रही है। जिंदगी की गाड़ी किस पटरी पर चला है? आपका मतलब इस देश में कोई भी काम रिश्वत के बिना नहीं हो सकता? बिल्कुल यही कहना है। रिक्शा वाले को डर है पुलिस वाले का, पता नहीं किस केस में फंसा कर उससे पैसे ऐंठ ले। लॉरी ड्राइवर को डर है आरटीओ का, परमिट होते हुए भी गाड़ी बीच रास्ते में कहीं रोक ना ले इस बात का। रिटायर्ड आदमी को डर है पेंशन ऑफिसर का, तुम जिंदा हो के नहीं कहीं इसका सर्टिफिकेट ना मांगे। माता पिता को डर है अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कि कहीं लाखों की मांग ना कर ले स्कूल वाले। एक टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा वाला, कुली दिन भर मेहनत करके भी डरते हैं कि कहीं रिश्वतखोर इनकी कमाई खा गया तो वो अपने बीवी बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। क्या ये सब रिश्वत दे सकते हैं? नहीं जत्सा। ऐसे ही लोगों की तकलीफ देखकर मेरे अंदर एक आग भड़क उठी। एक बार आप रविंद्रनाथ टैगोर की बातों को पढ़कर देखिए, जहां मानव सर उठाकर जी सकता है, जहां संसार के टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते, जहाँ अंधविश्वासियों के हाथों किसी की बलि नहीं चढ़ती, जहाँ एक इंसान किसी दूसरे की जान नहीं ले सकता, एक इंसान दूसरे को धोखा नहीं दे सकता, और सभी एक दूसरे से प्यार करें, आदर करें, इस पवित्र भारत में उन्होंने गीतांजलि की रचना की। ऐसे उस महान व्यक्ति का नाम रखकर उनके सपनों के पवित्र भारत देश को मैंने अच्छाई की राह पर चलाने के लिए यह धर्म युद्ध लड़ा है। एक रिश्वतखोर को मारकर उन जैसे कई बेईमानों के मन में डर पैदा करना चाहता था, यही मकसद था। मिस्टर जस्टिस, कोर्ट के पास कानून के अलावा न जज्बात है न आंखें, लेकिन अपने दिल से एक बार पूछिए, अगर मैंने गलत किया है, आपको ऐसा लगता है, तो कानून की किताब के पन्ने मत पलटिए, दफाएं और उनके सेक्शंस मत ढूंढिए, क्योंकि मैंने जुर्म कबूल किया है। आप मुझे मौत की सजा भी देंगे तो मैं खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। जज साहब, फाइनल जजमेंट दीजिए सर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर जजमेंट। सत्यानाश, उसकी बातों को सुनकर तो मैं भी कन्विंस होने लगा। कल अगर कोर्ट ने उसे छोड़ दिया फिर तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। कल उसे कोर्ट ले जाते वक्त रास्ते में खत्म कर देंगे। कल तक का समय नहीं हमारे पास, उसे आज की रात ही खत्म करना होगा। यहाँ क्यों आए तुम लोग? हमें टैगोर चाहिए, हमें उसकी जान लेनी है। 1 करोड़ दूंगा। रिश्वत दे रहे हो? 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़, 10 करोड़। बहुत बड़ा रिस्क है पर मैं करूंगा। हेलो,
क्यों टैगोर, मुझे यहाँ देखकर बहुत हैरानी हो रही है। मैंने कहा था मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। रिश्वत रिश्वत, अगर कोर्ट तुम्हें फांसी की सजा नहीं देगी तो फिर मैं तुम्हें दूंगा। बातों में वक्त बर्बाद क्यों करे? छोड़े, रुक जाओ। इसे गोली मार दोगे तो एक सेकंड में इसकी जान चली जाएगी। मेरे करोड़ों के हॉस्पिटल को इसने बंद करा दिया, इसकी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई। इतनी आसान मौत तो इसे नहीं दूंगा मैं। इसकी वजह से मैं कितने टेंशन में था, ये सब तुम लोग इसे बताओगे। मुझे लगा कि तू अकेला ही बच गया है। तेरी मौत को तूने खुद दावत दी है। मेरे आदमी यही नहीं, इस राज्य के हर एक डिपार्टमेंट में हजारों की तादाद में फैले हुए हैं। जो गलती करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये सब मैं देख लूंगा, आप जाइए। थैंक यू। धर्म अधर्म ही नहीं बल्कि इंसानियत की नजर से देखते हुए आज मैं टैगोर के इस केस का फैसला करूंगा। उससे इस देश की आम जनता और कानून को इंसाफ पर विश्वास होगा। एक जज के नाते ही नहीं बल्कि इस देश का नागरिक होने के नाते ये फैसला दे रहा हूँ। हमारे बेकसूर और असहाय लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को हम आज तक सजा नहीं दे पाए। जो आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें हमारे देश का कानून एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका देता है। 36 लोगों को बस में जिंदा जलाने वाले मुजरिम को हमने फांसी की सजा से मुक्त किया। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जब इन सबको माफी मिल सकती है तो टैगोर को फांसी की सजा क्यों? टैगोर ने जो किया उसमें सिर्फ बुराई को न देखकर अच्छाई पर भी गौर किया जाए तो उन्हें सेक्शन 317, 301, 311 के तहत 5 साल की साधारण जेल की सजा सुनाई जाती है। सर, देश को कुछ संदेश देना चाहेंगे? प्रत्येक नागरिक का हक है सरकारी सुविधा पर, उसे हासिल करने के लिए रिश्वत मत दो, रिश्वत मत दो, रिश्वत मत दो।
सुनाया, अब तो होगी जीत सच सही और हमारी न्याय की। सुनाया अब तो हार निश्चित ही होगी असुरों के बुराई की। सुनाया अब तो बारी है मरते दम तक चलने वाली लड़ाई की। आया अब तो बारी है देश भर से गंदगी के सफाई की।